I'm Amit, and let's just start with the lecture with a quick recap of a previous lecture. हमने इसके ठीक पहले वाले लेक्चर में जाना था इम्यूनोलॉजी के बारे में. इसी के बाद हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, जिसमें मैंने आपको बताया था दो चीजें, इनेट इम्यूनिटी एंड अडैप्टिव इम्यूनिटी के बारे में. इसी के ठीक बाद हमने चर्चा करी थी कुछ और शब्दों की, जैसे कि पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है या पैसिव इम्यूनाइजेशन क्या होता है. एक्टिव इम्यूनाइजेशन के बारे में हमने चर्चा की. देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट नेचुरल इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल इम्यूनिटी. साथ ही साथ वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट सम बेसिक्स अबाउट वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन. वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन के बारे में हमने चर्चा की थी, राइट. बोथ द टर्म्स आर मोर ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली, राइट. तो इन कुछ चीजों के बारे में हमने चर्चा की थी, और आज के जो प्रेजेंट लेक्चर है इसमें हम चर्चा करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन इन द फील्ड ऑफ इम्यूनोलॉजी. देखिए, ये प्रीवियस लेक्चर है, इसकी महत्वता इस लेक्चर को समझने के लिए ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उस लेक्चर में बेसिकली हमने कुछ और चीजों के बारे में जानकारी ली थी कि ह्यूमन इम्यून सिस्टम किस तरीके से काम करता है. और जब तक हमें ये ह्यूमन इम्यून सिस्टम किस तरीके से काम करता है उसके बारे में जानकारी नहीं होगी, तो हम टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन इन द फील्ड ऑफ इम्यूनोलॉजी के जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे तो उसके बारे में जान नहीं पाएंगे, राइट. उसको सीख तरीके से समझ नहीं पाएंगे. इसलिए इट इज नेसेसरी दैट यू वॉच दिस लेक्चर फर्स्ट. तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि इम्यूनोलॉजी क्या है. इम्यूनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन इम्यून सिस्टम. मानव का जो रोग प्रतिरोधक तंत्र है उसके अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, इम्यूनोलॉजी, ठीक है. अब इसकी जरूरत क्या है, जब तक हमको जरूरत नहीं पता कि क्या जरूरत होती है ना इम्यूनोलॉजी की फील्ड में, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन की क्या जरूरत है, तब तक हम सही तरीके से टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन को नहीं समझ सकते, राइट. तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द नीड फॉर टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन इन द फील्ड ऑफ इम्यूनोलॉजी. इसकी जरूरत क्या है, व्हाट इज द नीड ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन. देखिए, सबसे पहली जो जरूरत है दैट इज टू प्रिवेंट डिसीजेस. हमने एक चीज जानी थी कि अगर व्यक्ति की इम्यूनिटी अगर अच्छी है तो डिसीजेस का खतरा या वल्नरेबिलिटी टुवर्ड्स डिसीजेस जो है वो कम हो जाएगी, राइट. इसका मतलब है कि हम इम्यूनोलॉजी की फील्ड में स्टडी करके क्या करना चाहते हैं, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहते हैं, है ना, ताकि हमें डिसीजेस का खतरा कम से कम रहे, राइट. सो टू प्रिवेंट डिसीजेस वी नीड टू हैव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन इन द फील्ड ऑफ इम्यूनोलॉजी, सो दैट हम ह्यूमंस की या अपनी खुद की स्वयं की इम्यूनिटी को बढ़ा सके. अगर हमने हमारी इम्यूनिटी को, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कर लिया, देन बहुत सारे ऐसे पैथोजेंस होंगे, बहुत सारी ऐसी डिसीजेस होंगी जो हमको अटैक तो करेंगी, लेकिन हमारी बॉडी उसके हिसाब से अडैप्ट कर चुकी होगी. पहले से ही हमारा इम्यून सिस्टम डेवलप्ड होगा इतना कि हमारे बॉडी उस पर्टिकुलर डिसीज को रेजिस्ट कर जाएगी, और उस पर्टिकुलर डिसीज से होने वाले जो चेंजेस, एबनॉर्मलिटीज, नेगेटिव इम्पैक्ट जो हमारे शरीर पर पड़ने वाले थे उससे हम बच जाएंगे. तो ये किस माध्यम से हम कर पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन इन द फील्ड ऑफ इम्यूनोलॉजी. इम्यूनोलॉजी की फील्ड में टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन के माध्यम से ये चीजें हम कर पाएंगे. तो सबसे पहली जरूरत है किस चीज के लिए, डिसीजेस को रोकने के लिए, डिसीजेस से हमारी बॉडी को बचाने के लिए. सेकेंड जरूरत क्या है, सेकेंड जरूरत है टू सप्रेस इम्यूनिटी ऑफ अवर बॉडी. हमारी बॉडी का जो इम्यूनिटी है उसको सप्रेस करना. अब इसकी जरूरत क्या है, व्हाई वी हैव टू सप्रेस, मतलब एक जगह तो हम इम्यूनिटी बढ़ाने की बात कर रहे हैं, दूसरी जगह हम इम्यूनिटी को कम करने की बात कर रहे हैं, इसकी क्यों आवश्यकता है हमको टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन के माध्यम से. देखिए, आपने मॉडर्न मेडिकल साइंसेज में कुछ इलाज सुने होंगे, जैसे कि आपने एक वर्ड सुना होगा ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन.
क्या होता है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है, एक व्यक्ति के कोई ऑर्गन्स को, जैसे आईज हो गई हमारी या फिर कोई और दूसरा ऑर्गन है, लिवर हो गया, तो ऐसे कोई ऑर्गन को किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसप्लांट कर देना, राइट, मतलब किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में लगा देना, है ना, तो इसको हम बोलते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। लेकिन जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है तो उस समय पर एक समस्या आती है सामने कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि हमारे इम्यून सिस्टम में क्या बनाई जाता है, WBCs जो हैं, या हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो क्या बनाता है, एंटीबॉडीज, और वो एंटीबॉडीज दो तरीके से, दो चीजों के लिए बनाता है ना। सबसे पहला तो हम बोल सकते हैं एक ही चीज के लिए बनाता है, दैट इज एंटीजन। एंटीजन मतलब कोई भी ऐसा भारी वस्तु जो कि उसके ऊपर अटैक कर रही हो, है ना, कोई भी ऐसी भारी चीज जो कि उसके ऊपर, जो बॉडी के अंदर एंटर करी है, उसके लिए। एंटीजन क्या है, बेसिकली एन एक्सटर्नल प्रोटीन, फॉरेन प्रोटीन। एंटीजन को अगर मैं बहुत बेसिक लैंग्वेज में बोलूं तो इट इज अ फॉरेन प्रोटीन, ठीक है। पर कई बार ये फॉरेन प्रोटीन ना होकर के जो एंटीबॉडीज है, WBC जो है, हमारी खुद की बॉडी के लिए भी, के प्रोटीन्स को भी हार्म करने लगता है। मतलब कि वो बाहरी प्रोटीन को अटैक करने के बजाय हमारी खुद की बॉडी के अंदर जो प्रोटीन है उसको भी अटैक करने लगता है। तो कई बार क्या करता है, ये एंटीबॉडीज जो हैं वो हमारे खुद की ऑर्गन्स को हार्म करती है, राइट, या फिर कोई एक्सटर्नल ऑर्गन हमको कोई ट्रांसप्लांट कर रहा है तो उस ऑर्गन को हार्म करती है, भले वो हमारे बॉडी के लिए अच्छी तरीके से, अच्छे हमारी बॉडी के अच्छे के लिए हम वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, लेकिन एंटीबॉडीज को नहीं पता ना वो चीज। एंटीबॉडीज को क्या पता है कि ये एक एक्सटर्नल प्रोटीन है, इसको हमको अटैक करना है। और जब भी एक्सटर्नल एंटीबॉडी एंटीजन को, उसको मतलब एक्सटर्नल ऑर्गन को एज एन एंटीजन कंसिडर करके उसके ऊपर अटैक करती है तो उस ऑर्गन को वैसे ही डिस्ट्रॉय कर देगी, है ना, उसके ऑर्गन की फंक्शनिंग को होने ही नहीं देगी, राइट। तो इसलिए भी हमको क्या करना पड़ता है, हमको हमारे एंटीबॉडीज को सप्रेस करना पड़ता है ताकि जो फॉरेन ऑर्गन हमारे बॉडी के अंदर हम ट्रांसप्लांट करके हमारी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करने वाले हैं वो ऑर्गन सही तरीके से फंक्शन कर सके और हमारी बॉडी जो है, हमारी एंटीबॉडीज जो है उस ऑर्गन से फैमिलियर हो जाए कि हमारे खुद की बॉडी का ऑर्गन है, इस पे अटैक नहीं करना है, राइट, मतलब इसको दिमाग देना है हमको। और दिमाग किस वजह से, मतलब उसको नॉलेज किस वजह से दे पाते हैं, हम टू सप्रेस अवर इम्यूनिटी, कि हम हमारी ही बॉडी में कुछ एंटीबॉडीज ऐसी बनाते हैं जो कि हमारे इम्यूनाइजेशन को, हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए काम करता है, है ना। तो क्यों सप्रेस करने की आवश्यकता पड़ती है, ताकि हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जैसे प्रोसेस कर पाए, या फिर ऑटो इम्यून सिस्टम, ऑटो इम्यून कंडीशंस। ऑटो इम्यून कंडीशंस क्या होती है, ऐसी कंडीशन जिसमें हमारे शरीर के द्वारा बनाई गई एंटीबॉडी हमारे ही शरीर के कुछ ऑर्गन्स को हार्म करने लग जाए, दैट इज ऑटो इम्यून। मतलब हमारे शरीर के कुछ ऑर्गन्स जो है उसको हार्म करने के लिए एंटीबॉडी, या उसको खत्म करने के लिए एंटीबॉडीज बनने लगे, दैट इज ऑटो इम्यून कंडीशन। खुद से ही इम्यून करना खुद को, है ना। तो ये कंडीशन तो बहुत खराब कंडीशन है। जैसे मान लीजिए डायबिटीज, Type 1 जो डायबिटीज होता है उसमें क्या होता है, जो हमारी एंटीबॉडीज है, है ना, वो हमारे पैनक्रियास को ही हार्म करने लगती है, खुद की पैनक्रियास को, राइट, मतलब खुद के ही शरीर के एक अंग को हमारे ही शरीर के द्वारा बनाई गई एंटीबॉडी हार्म करने लगती है, दैट इज नोन एज एन ऑटो इम्यून कंडीशन। उस कंडीशन में हमको क्या करना है, उस कंडीशन में हमको ये करना है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको हमको सप्रेस करना पड़ेगा ताकि वो हमारी खुद की पैनक्रियास को अटैक करना बंद करे, राइट। अगर खुद की पैनक्रियास को अटैक किया, खुद की बॉडी के अंदर बनी हुई एंटीबॉडी खुद को अटैक कर रही, मतलब हम तो एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव ऑर्गेनिज्म बन गए, खुद ही अपने आप को मारने लगेंगे। थोड़े समय बाद पता चला कि हमारी बॉडी के ऑर्गन्स गायब। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, कई बार इम्यूनिटी को सप्रेस करना पड़ता है हमारी बॉडी को बचाने के लिए, और ऐसी ऑटो इम्यून कंडीशंस को रोकने के लिए, या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जैसे प्रोसेस को सही तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए हमको इम्यूनिटी को सप्रेस करना पड़ता है। ये तो बेसिक हम जान रहे हैं, अभी इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं ये भी देखेंगे। तो बेसिक दो तरीके, दो नीड्स हैं। सबसे पहला तो प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेस, उसके लिए हमको क्या करना है, इम्यूनिटी को बढ़ाना पड़ेगा, राइट, और
कुछ ऐसी प्रोसेसेस जैसे कि ऑटो इम्यून कंडीशन अगर हो या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जैसी कंडीशन हो, उस केस में हमको क्या करना है कि इम्यूनिटी को सप्रेस करना है, ताकि हमारी शरीर के लिए जो चीज हम अच्छी कर रहे हैं उसको भी अटैक करने के लिए एंटीबॉडीज ना जनरेट हो, या एंटीबॉडीज हमारे शरीर के कुछ अंगों को अटैक ना करे। तो इसलिए दो चीजें हमको देखनी है यहाँ पर, दो नीड्स हैं टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन की। सबसे पहली नीड टू प्रिवेंट डिसीजेस एंड द सेकेंड नीड इज टू सप्रेस द इम्यूनिटी। अब हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा और जानने की कोशिश करेंगे कि एंटीबॉडी क्या है, या एंटीबॉडी को भी थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे ना, तभी जाकर के हम टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन सही तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, एंटीबॉडी किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से एंटीबॉडीज जो है वो एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने का काम करते, जब हम ये प्रक्रिया समझ जाएंगे तभी जाकर के हम जो डीएनए टेक्नोलॉजीज हैं या फिर डीएनए वैक्सीन्स हैं या दूसरे वैक्सीनेशन के प्रोसेसेस हैं या फिर दूसरी जो थेरेपीज हैं इम्यूनोलॉजी की फील्ड में जो नए इंटरवेंशन आ रहे हैं उसको हम समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एंटीबॉडीज क्या है। एंटीबॉडीज कल हमने बेसिक तो देखा था, आज उसका स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा हम देखेंगे। दो ये हमारी एग्जाम के लिए काम का नहीं है, लेकिन हमको जो समझना है टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन उसको समझने के लिए हमें ये समझना आवश्यक है कि एक इम्यून सिस्टम में एंटीबॉडी किस तरीके से काम करती है और उसका स्ट्रक्चर क्या है, है ना, और किस तरीके से प्रोड्यूस हो रही है। देखिए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने का काम जो है वो अगर बेसिकली हम बोले तो बोन मैरो से स्टार्ट होता है, है ना, और फिर बोन मैरो से स्टार्ट होने के बाद में जो हमारे इम्यून सेल्स बनते हैं उनके ऊपर अटैच्ड फॉर्म में एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। ठीक है, वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस भी होती है बार बार, पैथोजन रिलेटेड एंटीबॉडीज हमने देखी जब हम कल बात कर रहे थे एडाप्टिव इम्यूनिटी की, तो मैंने वहां पर आपको एक चीज बताई थी कि एडाप्टिव इम्यूनिटी जो है वो क्या कैसी है, डिसीज स्पेसिफिक, या फिर मैं बोलूं तो पैथोजन स्पेसिफिक, या फिर और स्पेसिफिक लैंग्वेज में बोलूं मैं तो दैट इज एंटीजन स्पेसिफिक, है ना। तो अडैप्टिव इम्यूनिटी के केस में जब हम बात कर रहे थे कि इस तरीके की इम्यूनिटी मतलब एंटीबॉडीज बनती है जो कि सिर्फ एक पर्टिकुलर एंटीजन के को टारगेट करने के लिए बनती है, तो बार बार ये एंटीबॉडीज बनती भी रहती है शरीर के अंदर, है ना, ये हमारा इम्यून सिस्टम का काम है एंटीबॉडीज बनाना। अब हम थोड़ा सा देखते हैं एंटीबॉडी का शेप किस तरीके से है। देखिए एंटीबॉडी वाई शेप में पाई जाती है, जिसमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है, ना स्ट्रक्चर और ये सब चीजें हमारे काम की बेसिकली नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें समझने के लिए हमको ये चीजें जानना थोड़ी सी आवश्यक है। तो हम पहले समझेंगे स्ट्रक्चर को अच्छे से, है ना, उसके बाद हम आगे के टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन समझ पाएंगे। जिसको ये स्ट्रक्चर समझ में ना आए, ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता हमको बिल्कुल नहीं है, हम घोटा मारो आगे बढ़ो वाली पद्धति भी बढ़ सकते हैं। ठीक है ना, अच्छी तरह से ग्रैस्प करने के लिए टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन को हमको ये जानना आवश्यक है कि किस तरीके से एंटीबॉडी का अरेंजमेंट होता है, या फिर किस तरीके से एंटीबॉडी जो है वो काम करती है। देखिए यहां पर मैंने आपको एक ब्लैक कलर की चेन दिख रही होगी, ठीक है, दिस ब्लैक कलर चेन इज नोन एज हैवी चेन। ये एक हैवी चेन है जो वाई के शेप में है, ठीक है। इसके बाद आपको एक ब्लू कलर की चेन दिख रही है, दिस ब्लू कलर चेन इज नोन एज लाइट चेन, ठीक है, दिस इज हैवी चेन एंड दिस ब्लू कलर चेन इज नोन एज लाइट चेन, ठीक है। अब ये जो एंटीबॉडी है ना, इसमें जो हम देख रहे हैं ब्लैक कलर का चेन, इसमें जो नीचे वाला पोर्शन है दैट इज नोन एज एफसी फैक्टर। ये एफसी फैक्टर कहां लगता है, जैसे ये हमारा बॉडी का एक इम्यून सेल है, मान लीजिए बी सेल है, बी सेल इज अ टाइप ऑफ इम्यून सेल, है ना, टी सेल बी सेल, या आप जब बायो पढ़ेंगे लिम्फोसाइट्स पढ़ेंगे उस समय पे आपको समझ में आएगा बी सेल टी सेल क्या होते हैं। बी सेल के ऊपर यहां पर एक रिसेप्टर लगा होता है, दिस इज नोन एज एफसी रिसेप्टर। थोड़ा सा डिटेल हो रहा होगा लेकिन आई डोंट थिंक सो कि इतना डिफिकल्ट है कि आप समझना पाए, डिटेल जरूर है, ठीक है। अब ये जो एफसी फैक्टर है इस एफसी रिसेप्टर पे जाके अटैच हो जाता है इस तरीके से, है ना, और ये हमारा
जो पूरा जो हम बता रहे हैं सिस्टम बता रहे हैं, ये एक एंटीबॉडी है जो कि बी सेल के ऊपर जाकर के अच्छा अटैच हो गई। किस तरीके से अटैच हुई? अटैच हुई इस माध्यम से कि बी सेल जो है ना, वो एक एंटीबॉडी को अटैच करके रखा हुआ है। किस माध्यम से? एफसी रिसेप्टर, एफसी फैक्टर के माध्यम से। मतलब जो एफसी फैक्टर का काम ही खाली इतना है कि बॉडी को, एंटीबॉडी को किसके साथ अटैच करके रखना? इम्यून सेल के साथ। ये एक तरह का इम्यून सेल है, राइट। इसके बाद में जो अपर पोर्शन है, अपर पोर्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं यहां पर, दिस वन, ये होता है वेरिएबल, है ना। वेरिएबल क्यों बोल रहा हूं मैं इसको? क्योंकि ये जाके अटैच होता है किसके साथ? एंटीजन के साथ। और एंटीजन जो होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। मतलब एक एंटीजन हो सकता है, दो एंटीजन हो सकते हैं, तीन अलग अलग तरह के एंटीजन हो, मल्टीपल टाइप। जैसे पोलियो एंटीजन एक हो गया, है ना, उसके बाद HIV का एंटीजन हो गया, कैंसर का एंटीजन हो गया, ठीक है। तो अलग अलग तरीके के एंटीजन होते हैं, और उन अलग अलग एंटीजन में के कुक से कनेक्ट होने के लिए हमको एक वेरिएबल हेड चाहिए, है ना। मतलब बी सेल तो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, और बी सेल में अटैच होने के लिए तो अलग अलग वेरिएबल हेड नहीं चाहिए। ये आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि अगर मैं बात करूं एफसी रिसेप्टर कुछ इस शेप का है और जो एफसी फैक्टर है वो इस शेप का है, तो ये दोनों आपस में अटैच हो जाएंगे, राइट। अब जो वेरिएबल हेड बात कर रहा हूं, वेरिएबल हेड अगर मैं मान लू इस तरीके का है और जो आगे सामने वाले एंटीजन का जो रिसेप्टर है ना, जो एंटीजन है वो इस शेप का है, तो ये फिट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ये जो हमारा हेड है, वेरिएबल हेड, वो इस शेप में है और एंटीजन का जो हेड है वो इस शेप में है, तो क्या उसके साथ ये अटैच हो पाएगा? इस केस में नहीं हो पाएगा। मतलब कि इस केस में हमको किस तरह का अटैचमेंट चाहिए? इसी केस का, इसी तरीके का, राइट। तो हर एंटीजन के शेप के अकॉर्डिंग आपको एक हेड चाहिए जो कि उसके ऊपर अटैच हो सके। तो ये वेरिएबल हेड होता है ताकि वो एंटीजन के साथ अटैच कर सके, ये टॉक्सिन्स जो एंटीजन जो टॉक्सिन्स बनाते हैं उसके साथ अटैच हो सके, ठीक है। तो इस माध्यम से ये एंटीबॉडी तैयार होती है, और ये एंटीबॉडी का काम क्या है? एंटीजन के साथ अटैच होकर एंटीजन को डिस्ट्रॉय करना, पैथोजन को डिस्ट्रॉय करना, ये इसका काम है। तो ये कुछ इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है, है ना। अब इसका काम देखते हैं, डिटेल में काम देखते हैं किस तरीके से एंटीजन को डिस्ट्रॉय करती है। अलग अलग तरीके हैं, जरूरी नहीं खाली अटैच करके डिस्ट्रॉय कर दिया, और भी फंक्शंस जो है एंटीबॉडी करती है, है ना। उसको देख लेते हैं एक बार कि किस तरीके से एंटीबॉडी जो है हमको किस में हेल्प करती है, पैथोजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए किस तरीके से, या इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए किस तरीके से इम्यून सिस्टम के अंदर काम करती है, है ना। सबसे पहला जो फंक्शन है, दैट इज इट अटैचेस टू एंटीजन, है ना, एंटीजन के साथ अटैच हो जाती है। जैसे मान लीजिए ये हमारी एंटीबॉडी हो गई, ठीक है, ये एक एंटीजन हो गया। लेट मी मेक द एंटीजन विद अ डिफरेंट कलर सो इट इज गुड फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ये हमारा एंटीजन हो गया, ठीक है। अब ये जाकर के इसके साथ अटैच हो गई, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है? एंटीजन के साथ अटैच होना, एक तो सबसे मेजर तरीका, ठीक है। और उस अटैचमेंट को हम क्या बोलते हैं? एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। और ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स में एंटीजन जो एंटीबॉडी को डिस्ट्रॉय कर, एंटीबॉडी जो है एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देती है और उसको शरीर के बाहर डिस्पोज ऑफ कर देती है। सबसे पहला काम जो है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाना, या फिर इस माध्यम से कि एंटीजन जो है, एंटीबॉडी जो है एंटीजन से जाकर के अटैच हो गई और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का निर्माण करके हमने एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर दिया। सबसे पहला तरीका जिसके माध्यम से एंटीबॉडी जो है एंटीजन को खत्म करती है। सेकेंड, attaches to the toxins. Attaches to the toxins का मतलब क्या है? जैसे ये हमारी एंटीबॉडी है, ठीक है, ये हमारी कुछ एंटीबॉडी इस तरीके से दिखती है, है ना। अब कोई मान लीजिए वायरस है या फिर कैंसर है, कैंसर सेल्स जो है कुछ टॉक्सिन्स पैदा कर रहे हैं कुछ इस तरीके के, है ना। अब ये टॉक्सिन्स जो है इनके साथ अटैच हो जाती है
है ना, कैंसर सेल के साथ अटैच नहीं हुई, जो कि एंटीजन है उसके साथ अटैच नहीं हुई, लेकिन ये एंटीजन जो टॉक्सिन्स बना रहा है उसके साथ अटैच हो जाती है। किस तरीके से? इसी तरीके से जैसे ऊपर अटैच हुई थी, ये कुछ इस माध्यम से किसके साथ अटैच हो गई? टॉक्सिन्स के साथ। और ये टॉक्सिन्स के साथ अटैच होने के बाद इस टॉक्सिन को क्या करेगी? न्यूट्रलाइज। और हम इस हमने क्या किया इनडायरेक्टली, डायरेक्टली हमने एंटीजन को जो कैंसर है उसको तो डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए, लेकिन उसके द्वारा बनाए गए जो टॉक्सिन्स है उसको हमने न्यूट्रलाइज कर दिया, ताकि जो कैंसर कॉजिंग सेल है उसके द्वारा जो उत्पाद हमारे शरीर के अंदर मचाया जा रहा था उसको हमने कम कर दिया। उत्पाद को किस तरीके कम किया? हमने जो उसके द्वारा बनाए जाने वाले टॉक्सिन्स हैं उसको हमने हमारी एंटीबॉडी के माध्यम से न्यूट्रलाइज करना चालू कर दिया, तो उसका ग्रोथ जो है वो बढ़ जाए, मतलब रुक जाएगा। कैंसर सेल का जो ग्रोथ था वो रुक जाएगा। कैंसर सेल का ग्रोथ होने के कारण जो हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स उसके द्वारा प्रोड्यूस कर रहे थे और जो हमारे शरीर के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस, नेगेटिव चेंजेस, एबनॉर्मलिटी जो पैदा कर रहे थे वो रुक जाएंगे। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं? टॉक्सिन्स के साथ अटैच कर रहे हैं। तो ये सेकंड तरीका कि रादर देन अटैचिंग विद द एंटीजन इटसेल्फ, इट इज अटैचिंग विद द टॉक्सिन्स, एंटीबॉडीज अटैचिंग विद द टॉक्सिन्स। तो ये एक तरीका हो सकता है। तीसरा देखते हैं, थर्ड इंपॉर्टेंट है, अच्छा है ना, तीसरा वाला अच्छा है कि इट अटैचेस विद द रिसेप्टर। रिसेप्टर ऑफ एंटीजन। अब देखिए, जब मैं अभी जस्ट 2 मिनट पहले मैंने आपको एक चीज बताई कि एंटीबॉडी जो है वो किसके साथ अटैच होती है? इम्यून सेल के साथ। कैसे अटैच होती है? एक रिसेप्टर लगा होता है किसके ऊपर? इम्यून सेल के ऊपर। और एक फैक्टर लगा होता है जिसके साथ में जो हमारा एंटीबॉडी है वो इस पर अटैच होती है। कुछ इस तरीके से हमने अभी देखा कि ये रिसेप्टर है, इस रिसेप्टर के अंदर ये एंटीबॉडी जाकर के अटैच हो जाती है, है ना। कुछ इस तरीके से अभी हमने स्ट्रक्चर देखा, राइट। अब ऐसा ही स्ट्रक्चर जो है आपको देखने को मिलेगा कोई एक एक्सटर्नल पैथोजन में भी। देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक वायरस है या फिर कोई एक बैक्टीरिया है, कुछ इस तरीके से, कुछ इस शेप में, इसके ऊपर कुछ रिसेप्टर्स लगे हुए, ये रिसेप्टर्स हैं, है ना। ये रिसेप्टर क्या काम करते हैं? रिसेप्टर ये काम करते हैं कि रिसेप्टर्स आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ द टारगेट सेल। अब जैसे ये मान लीजिए कोई वायरस है या फिर बैक्टीरिया है, जो भी चीजें हैं, ठीक है, ये वायरस के ऊपर जो रिसेप्टर्स काम कर रहे हैं, ये काम किस चीज के लिए कर रहे हैं? इसको ढूंढना है टारगेट सेल, कि कौन से टारगेट सेल को ये हार्म कर सकता है, है ना। अब ये टारगेट सेल को हार्म करने, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म या हर एक बैक्टीरिया, हर एक वायरस जो है शरीर के हर एक सेल को हार्म नहीं करता। जैसे ब्रेस्ट कैंसर अगर होता है तो ब्रेस्ट कैंसर के जो सेल्स हैं वो फीमेल के जो ब्रेस्ट के सेल्स हैं उसी के साथ अटैच होते हैं, राइट। तो उसके लिए उनको, उनके पास जो रिसेप्टर्स हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं कि ब्रेस्ट सेल कहां पर है, उसके पास जाके अटैच होंगे, राइट। फॉर एग्जांपल एचआईवी है, है ना, तो एचआईवी का वायरस हमारे इम्यून सेल्स के साथ अटैच करता है, राइट। तो इस तरीके से उनको सेल्स ढूंढने होते हैं कि कौन से सेल्स के साथ हम अटैच हों, ठीक है। और उस सेल्स को ढूंढने के लिए उनके पास लगे होते हैं क्या? रिसेप्टर्स। अब हमारी एंटीबॉडी क्या करती है, है ना, एंटीबॉडी जाकर के इस पर्टिकुलर उसके साथ अटैच हो गई, है ना, इसके साथ लगा के अटैच हो गई। अब रिसेप्टर के साथ अटैच हो गई और रिसेप्टर जो है वो सिग्नल ही नहीं दे पा रहा वायरस को कि भैया कौन सा एंटीजन के साथ या कौन से सेल, बॉडी के कौन से सेल के साथ हमको अटैच होना है। अब ये एंटीजन का काम जो था, मतलब ये वायरस का जो काम था, वो अधूरा रह जाएगा, क्योंकि इसको आइडेंटिफिकेशन के लिए जो रिसेप्टर था वो तो एंटीबॉडी ने ब्लॉक कर दिया, राइट। मतलब कि वायरस हमारी बॉडी को अब हार्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके जो रिसेप्टर्स हैं उसके ऊपर जाकर के हमारी एंटीबॉडीज ने अटैक कर दिया और एंटीबॉडीज ने उस रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया। अब ये रिसेप्टर सिग्नल ही नहीं दे पाएगा वायरस को कि कौन से सेल को हमको ढूंढना है और कौन से सेल को ढूंढ करके उसको डिस्ट्रॉय करना है बॉडी के अंदर। तो वायरस का काम जो है न्यूट्रलाइज हो गया, वायरस नहीं मरा लेकिन उसके रिसेप्टर्स खत्म हो गए। एक तो पहला एग्जाम्पल। सेकेंड, मान लीजिए एक बैक्टीरिया है, पैरासाइटिक बैक्टीरिया है, या फिर बैक्टीरिया बोल सकते हैं हम खाली, ये बैक्टीरिया जो है इसकी ये सेल वॉल है, ठीक है, सेल वॉल इज द रिसेप्टर ऑफ बैक्टीरिया, है ना। अब इस सेल वॉल पर जाकर के क्या हो, हमारी यहां की, हमारी जो बॉडी की एंटीबॉडी से वो जाकर के अटैच हो गई कुछ इस तरीके से, है ना, ऊपर सब जगह पे ऐसी जाकर के अटैच हो गई, है ना, सब जगह ऐसे ऑल अराउंड अटैच हो गई।
अब ये बैक्टीरिया का रिसेप्टर एंड ये था, इसी बैक्टीरिया का इस रिसेप्टर एंड के माध्यम से ही इसको फूड मिलता था, है ना। अब अगर इसको इसके ऊपर सब जगह हमारी एंटीबॉडी ने आसपास एक कवरिंग बना ली, तो इसको ना फूड दे पाएंगे, हमारी बॉडी से जो फूड अब्सॉर्ब कर रहा था ना फूड मिलेगा, ये ना ही फिर कुछ और चीजें जो इसको रिक्वायर्ड थी वो मिलेगी, तो धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा, मर जाएगा, मर जाएगा, राइट। और मर जाएगा, डेथ हो जाएगा, तो फिर धीरे से इसको हमारी बॉडी जो डिस्पोज कर देगी, या फिर इसका जो हार्मफुल एक्शन था उसको हमने इनडायरेक्टली डायरेक्टली सप्रेस कर दिया, क्योंकि उस वायरस को जिस उस बैक्टीरिया को जो फूड की रिक्वायरमेंट थी उस पर्टिकुलर रिसेप्टर वॉल से ही मिल पाती थी, और रिसेप्टर वॉल पे हमारी एंटीबॉडीज जो आसपास जाके अटैच हो गई, और वो बॉडी से उस रिसेप्टर के माध्यम से जो फूड लेने वाला था वो उसको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हमारी एंटीबॉडीज ने उसके रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया, उसको फूड मिलेगा ही नहीं, तो वो स्टार्विंग के कारण मर जाएगा, इट विल स्टार्व टू डेथ। किस तरीके से, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति को खाने के लिए कौन सा अंग इस्तेमाल करना है, मुंह इस्तेमाल करना है, मुंह बंद कर दें, है ना, अगर या बाई चांस उसका मुंह को हम सील दें ऐसा, है ना, तो फिर उसके लिए किस तरीके से फूड आएगा, फिर फूड आने के लिए या तो हम सलाइन लगाएं, हम वो भी नहीं लगाएं, हम पूरी शरीर को लोहे में, लोहे के कमरे में बंद कर दें कि भैया अब इसके पास कोई नहीं जाएगा, तो धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर फूड जाएगा नहीं, एनर्जी बनेगी नहीं, है ना, एनर्जी नहीं बनेगी, तो एनर्जी को मतलब हमारे खुद के शरीर का प्रोटीन जो है वो धीरे धीरे हमारी शरीर जो है एनर्जी कंज्यूम करने के लिए या एनर्जी बनाने के लिए हमारे खुद के शरीर के प्रोटीन को ही डाइजेस्ट करने लगेगा, है ना, और कुछ समय बाद ऐसा कंडीशन आएगी कि हमारे बॉडी जो है स्टार्व करने लगेगी कि उसके पास कुछ है ही नहीं खाने के लिए, हमारे पास खाने के लिए नहीं, एनर्जी नहीं है बॉडी के फंक्शंस को चलाने के लिए, है ना, एनर्जी की आवश्यकता है, हमारी प्रोटीन्स भी खत्म हो गए, बॉडीली प्रोटीन्स भी धीरे धीरे डाइजेस्ट होना चालू हो गए, तो धीरे से हम क्या होंगे, परलोक से धार जाएंगे। तो सेम कंडीशन उसके साथ हुई कि उसको हमारी एक एंटीबॉडी ने एक ऐसे मान लीजिए ये जो बैक्टीरिया है उसको हमने कवच के अंदर इनक्लोज कर दिया, और उसको बोला बेटा फूड लेके दिखा, हमारे शरीर से फूड लेके दिखा, नहीं ले पाएगा, फूड ही नहीं मिलेगा, या फिर जो चीजें उसको जीने के लिए आवश्यक है वो रिसीव ही नहीं कर पाएगा सेल वॉल के थ्रू, तो धीरे से वो क्या हो जाएगा, परलोक गमन उसका तय है, तो वो डेथ हो जाएगी उसकी। तो ये एक तरीका और कि इट अटैचेस विद द रिसेप्टर ऑफ द एंटीजन। इसके बाद एक और यहां पर अच्छी चीज मैं आपको बताता हूं, है ना, ये भी एक अच्छा इंटरेस्टिंग फीचर है एंटीबॉडी का, जिसको हम बोलते हैं ऑप्सोनेंस। ये ऑप्सोनेंस क्या है, देखिए हमारे शरीर के अंदर खाली एंटीबॉडीज जो है वही डिस्ट्रॉय नहीं करती, एंटीबॉडीज के अंदर हमारे यहां पर कुछ किलर सेल्स होते हैं, बॉडी के इम्यून किलर सेल्स। वो किलर सेल्स का काम क्या होता है, कोई भी पैथोजन आया उसको किल करना, ठीक है, जिसको हम बेसिकली एक नाम होता है, एक पर्टिकुलर किलर सेल का नाम आपको बता देता हूं मैं, फैकोसाइट्स, है ना, दैट इज फैगोसाइट्स, ठीक है। तो फैगोसाइट जो है ये एक तरीका किलर सेल है, है ना, फैगो और साइट्स जो खाने को बोलते हैं, फैगोसाइट मतलब एक तरीके खाता है ये सेल को, है ना, किन से सेल को, ये जो सामने या कोई बॉडी के अंदर कोई एंटीजन आया उस सेल को ये खाने का काम करता है फैगोसाइट। अब ये फैगोसाइट को क्या कैसे, ऐसे किसी को भी तो नहीं खा सकता ना, मतलब इट कैन नॉट ईट अप एनीथिंग, अगर ऐसे ही किसी को भी खाने लग जाए फैगोसाइट तो फिर तो हमारे शरीर के प्रोटीन को ही खाने लग जाएगा, राइट। फैगोसाइट्स को सिग्नल चाहिए कि कौन से सेल को खाना है, और वो सिग्नल प्रदान करने का काम कौन करता है, एंटीबॉडी कैसे करेगी, है ना, या तो फैगोसाइट्स कुछ खुद डिटेक्ट करें, अगर वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहे कि हमारे शरीर के परे वाली बॉडीज कौन है, मतलब हमारे शरीर के अंदर के सेल्स छोड़ के बाहर से कोई सेल आया, बाहर से कोई ऑर्गेनिज्म आया, वो कौन है वो डिटेक्ट करेगा, अगर वो डिटेक्ट करेगा, खुद डिटेक्ट करेगा तो उसको थोड़ी समस्या होती है, ना, टाइम लगता है, या फिर वो डिटेक्ट नहीं कर पाता है, तो ये भी हो सकता है, तो खा नहीं पाता उसको, किलर सेल उसको किल नहीं कर पाता। तो हमारे शरीर में जो एंटीबॉडीज होती है, जैसे मान लीजिए ये एक एंटीजन है जो हमारे शरीर के अंदर एंटर कर चुका है, है ना, अब हमारी जो एंटीबॉडी शरीर के अंदर की जो एंटीबॉडी है वो क्या करेगी, इसके ऊपर जाकर के ऐसी अटैच हो जाएगी, है ना, कुछ तरीके से अटैच हो गई इसके ऊपर, ठीक है। अब ये अटैच होने के बाद किसको सिग्नल कर देगी, फैगोसाइट को, मतलब फैगोसाइट के लिए आसान बना देगी पहचानना, किस चीज को पहचानना, कि भैया ये एंटीजन है इसको खाना है हमको, ठीक है, ऐसे सब जगह अटैच हो गई और अटैच करके सिग्नलिंग कर दिया फैगोसाइट को कि भैया ये अटैक है, ये हमारा ये खाना है आज का, इसको जाओ इसको किल करो। तो एक तरीके से वो क्या कर रहा है, सिग्नलिंग का काम करती है एंटीबॉडी यहां पर। तो अलग अलग तरीके से एंटीबॉडी काम करके क्या कर रही है, बेसिकली काम एक ही है ना, क्या
या तो एंटीजन को निपटाना या फिर एंटीजन के द्वारा बनाए गए जो है ना प्रोटीन्स हैं या टॉक्सिन्स हैं, प्रोटीन्स को हम वहां पे एक्सटर्नल जो प्रोटीन्स हैं उनको हम टॉक्सिन्स भी बोल सकते हैं, जो ऐसे टॉक्सिन्स हैं जो हमारे शरीर को हार्म करने वाले थे, या तो उनको खत्म करना है ना, या फिर उसके द्वारा जो प्रोटीन्स बनाए गए उसको न्यूट्रलाइज कर देना ताकि उसका हार्मफुल इफेक्ट हमारे शरीर के अंदर ना पड़े। तो काम इनडायरेक्टली डायरेक्टली एक ही कर रही है, एंटीबॉडी का काम हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करना और बाहरी जितने खतरे उससे हमको बचाना। तो ये कुछ हमने एंटीबॉडी की फंक्शनिंग देखी, राइट। अब हम सही तरीके से समझ पाएंगे कि क्या टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस हैं। इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन जब हम समझते हैं उस समय पर हमको इन चीजों की आवश्यकता भी पड़ने वाली है, ठीक है। इसलिए ये चीजें समझाना थोड़ी सी आवश्यक थी, इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखिए। ये बायो के लिए भी आपके लिए कभी कभी इंपॉर्टेंट हो सकती है अगर डिटेल में क्वेश्चन इस पर्टिकुलर चैप्टर से, इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे जाए तो। अब देखिए, इम्यूनोलॉजी जब हम बात कर रहे थे तो इम्यूनोलॉजी की शुरुआत ऐसा तो नहीं कि हमेशा से थी। बेसिकली एडवर्ड जेनर नाम के एक साइंटिस्ट हुए, एडवर्ड जेनर, आपने नाम भी सुना होगा, जिन्होंने एक वैक्सीन बनाई जिसका नाम था स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। और तभी से धीरे धीरे इम्यूनोलॉजी के फील्ड में रिसर्च चालू हुआ। इन्हीं के आइडियल्स पे चल करके एक नए व्यक्ति आए, है ना, जिनका नाम था लुईस पाश्चर। ये भाई साहब ने एक और वैक्सीन बनाई, रेबीज वैक्सीन, ठीक है। एडवर्ड जेनर जो है, इन्होंने जब स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाई तो स्मॉल पॉक्स के बाद में इन्होंने ऐसी कोई दूसरी वैक्सीन के ऊपर काम नहीं किया, ठीक है। लेकिन लुईस पाश्चर ने इस पर्टिकुलर आइडिया से एक सीख ली, जब स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन बन सकती है तो दुनिया की हर बीमारी के लिए वैक्सीन संभव है, है ना। और वैक्सीन क्या है, वैक्सीन एक ऐसा प्रिपरेशन है, ऐसा बायोकेमिकल प्रिपरेशन है जिसके माध्यम से हम शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ा सकें, है ना। वी कैन इंक्रीज द इम्यूनिटी ऑफ द ऑफ अवर बॉडी बाय अ बायोकेमिकल प्रिपरेशन, है ना, और वो भी डिसीज स्पेसिफिक भी हो सकती है, डिसीज स्पेसिफिक इम्यूनिटी। जब भी मैं डिसीज स्पेसिफिक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं तब मेरा मानना यह है, या फिर मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि एक पर्टिकुलर डिसीज से रिलेटेड, पोलियो तो खाली पोलियो से रिलेटेड इम्यूनिटी, है ना, रेबीज तो खाली रेबीज के लिए इम्यूनिटी, है ना, अगर मैं बात करूं स्मॉल पॉक्स तो खाली स्मॉल पॉक्स के लिए इम्यूनिटी। तो डिसीज स्पेसिफिक इम्यूनिटी को बढ़ावा देने के लिए बायोकेमिकल प्रिपरेशन को ही वैक्सीन बोल सकते हैं, और वो बायोकेमिकल प्रिपरेशन जो हमारे शरीर के अंदर हमको एंटर करवाना है जिसके माध्यम से हम हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट कर पाए। तो ये लुईस पाश्चर का मानना था, और उन्होंने, है ना, वायरोलॉजी और इम्यूनोलॉजी की फील्ड में रिसर्च चालू की, और इसी को मानते हैं बर्थ ऑफ इम्यूनोलॉजी, कि इस पर्टिकुलर टाइम से इम्यूनोलॉजी डेवलप स्टार्टेड डेवलपिंग एज अ साइंस। और क्यों डेवलप हुआ, जरूरत मैंने आपको बताई, दो, सबसे पहली जरूरत थी डिसीज प्रिवेंशन, इनके दिमाग में ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना या फिर इम्यूनो सप्रेशन का नाम नहीं आया था अभी, अभी खाली क्या था कि उस समय पर मौजूद जो डिसीजेस है उनको खत्म करने का काम इनका था। तो उनको खत्म करने के लिए या डिसीजेस प्रिवेंशन के लिए उन्होंने वैक्सीन बनाना चालू करी, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, रेबीज वैक्सीन, और इम्यूनोलॉजी की फील्ड में रिसर्च चालू हुआ। और इसी रिसर्च के दौरान में बहुत सारी वैक्सीन्स बनी, और इन्हीं वैक्सीन्स के जो अलग-अलग तरीके वैक्सीन्स हमने निर्माण करी, उसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन इन द फील्ड ऑफ इम्यूनोलॉजी या इम्यूनाइजेशन, ठीक है। अब अलग-अलग तरीके के वैक्सीन्स में से कुछ वैक्सीन्स तो मैंने आपको कल बताई, है ना, कुछ टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स तो मैंने बताई, सबसे पहले उन्हीं से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। जो सबसे पहला टाइप मैंने बताया था दैट वॉज लाइव वैक्सीन, लाइव वैक्सीन का मतलब क्या कि मान लीजिए कोई ऐसी वायरल बेस्ड डिसीज जैसे पोलियो वायरस हो गया, है ना, तो हमने क्या किया, लाइव वैक्सीन में जिंदा पोलियो वायरस पकड़ करके हमारे शरीर के अंदर डाल दिया, मतलब हमने डायरेक्टली हमारे शरीर के अंदर एक वायरस डाल दिया, ठीक है। क्यों डाला हमारे शरीर के अंदर वायरस, वायरस इसलिए डाला कि जब तक वायरस आएगा नहीं तब तक एंटीबॉडी बनेगी नहीं, जैसे ही बॉडी के अंदर में वायरस ने प्रवेश किया वैसे ही हमारा इम्यून सिस्टम जो उसके लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाना चालू कर देगा, है ना। लेकिन अब खतरा क्या है, अगर वायरस जिंदा फॉर्म में हमने डाला, ठीक है, तो वायरस का रिस्पॉन्स टाइम
वायरस का रिस्पॉन्स टाइम मतलब कि वायरस कितनी जल्दी हमारे बॉडी के सेल्स को अफेक्ट कर सकता है, दैट शुड बी लेस देन द रिस्पॉन्स टाइम ऑफ द एंटीबॉडी या इम्यून सिस्टम. मतलब कि जो वायरस का रिस्पॉन्स टाइम है वो रिस्पॉन्स टाइम इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स टाइम से ज्यादा होना चाहिए, इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स टाइम कम होना चाहिए वायरस के रिस्पॉन्स टाइम से, तभी जाकर के एंटीबॉडी बन पाएगी. नहीं तो पता चला एंटीबॉडी तो बनी लेकिन उसके पहले ही वायरस ने हमारी बॉडी का जो हिस्से को अटैक करना था उसको अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय कर दिया. तो इसलिए फिर क्या करते हैं, लाइव वैक्सीन तो हम बनाते हैं लेकिन इस लाइव वैक्सीन में हमने माइल्ड कर देते हैं इसको, माइल्ड मतलब कि स्लो डाउन कर देते हैं वायरस को, या फिर जो भी एजेंट है डिसीज कॉजिंग एजेंट है उसको माइल्ड कर देते हैं, स्लो डाउन कर देते हैं. स्लो डाउन करने से क्या मतलब है कि उसका रिस्पॉन्स टाइम हम और कम कर देते हैं कि वो धीरे धीरे रिस्पॉन्ड करे, और धीरे धीरे रिस्पॉन्ड करेगी तो एंटीबॉडी जो है वो बना लेगा इम्यून सिस्टम, और एंटीबॉडी बनाने के बाद में क्या होगा, इस पर्टिकुलर वायरस को खत्म करके एंटीबॉडी जो डिस्ट्रॉय करके बाहर कर दी. किस तरीके से डिस्ट्रॉय करेगी वो तो हमने अभी जाना. ठीक है, तो सबसे पहला है लाइव वैक्सीन, जिंदा वायरस पकड़ के डाल दो शरीर के अंदर, है ना, जिंदा वायरस को थोड़ा सा माइल्ड, उसका रिस्पॉन्स टाइम स्लो कर दो ताकि हमारे इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स टाइम. पर इसके साथ खतरा है, क्या खतरा है कि बाई चांस हमारे इम्यून सिस्टम ने काम ही नहीं किया. ये भी हो सकता है ना कि हमारा इम्यून सिस्टम इतना वीक है कि उसने एंटीबॉडी बना ही नहीं पाया, और ये कम रिस्पॉन्स टाइम के बाद भी, मतलब हमने कम तो कर दिया इसका रिस्पॉन्स टाइम लेकिन उसके बावजूद भी हमारा इम्यून सिस्टम इतना केपेबल भी नहीं है कि इतने कम रिस्पॉन्स टाइम में, इतने टाइम में भी वो एंटीबॉडी बना ले. और अगर एंटीबॉडी नहीं बनी तो फिर ये माइल्ड अवस्था का वायरस भी हमारे शरीर को क्या कर देगा, हाँ खतरा तो है, है ना. मतलब ये तो खतरों का खिलाड़ी वाली काम हो गया कि हमको वायरस तो बहुत दूर दूर तक दिख नहीं रहा था लेकिन हमारे शरीर के अंदर हमको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमने खुद नहीं हमारे शरीर के अंदर वायरस डाल लिया, है ना, और ये भरोसे के साथ कि हमारा इम्यून सिस्टम उसके लिए क्या बना लेगा, एंटीबॉडी. लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम इतना वीक निकला कि वो माइल्ड वायरस को भी उसने, मतलब माइल्ड वायरस होने के बावजूद भी उसने इतना टाइम लगा लिया कि माइल्ड वायरस अटैक कर दे तब तक भी वो एंटीबॉडी नहीं बना पाया. तो खतरा तो है, राइट, खतरा तो है भैया. ठीक है, इसके लिए नई टेक्नोलॉजी फिर लेकर के आए, और नई टेक्नोलॉजी में हमने क्या किया, दूसरे टाइप का वैक्सीन बनाया जिसको हम बोलते हैं इनएक्टिवेटेड वैक्सीन. ठीक है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में हमने क्या किया, हमने फिर वायरस डाला लेकिन इस बार हमने समझदारी क्या की, हमने वायरस को किल करके डाला, या फिर हमने वायरस को इनएक्टिवेट कर दिया कि अब अगर वायरस हमारे शरीर के अंदर जाए तो वो इनएक्टिव अवस्था में है. इनएक्टिव अवस्था में होने के कारण, है ना, वो टाइम ज्यादा देगा और टाइम मिल जाएगा हमारे शरीर को, हमारे इम्यून सिस्टम को एंटीबॉडी बनाने के लिए, और अगर बाई चांस नहीं भी बना पाए तो हमारा शरीर जो है उससे अफेक्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि वो इनएक्टिवेटेड वायरस है, है ना. इनएक्टिवेटेड वायरस होने के कारण जो एक खतरा में बोल रहा था आपको कि हाँ शरीर को हार्म लाइव वैक्सीन कर सकती है ना, वो यहां पर नहीं करेगी. आप एक चीज देखिएगा, ओरल पोलियो वैक्सीन क्या था, लाइव वायरस था, लाइव वायरस को माइल्ड फॉर्म में हमारे शरीर के अंदर हम डाल देते थे, है ना. अब जब बच्चे को पोलियो वैक्सीन पिलाया जाता था, है ना, जब हम लाइव वैक्सीन का सहारा लेकर के पोलियो वैक्सीन जब पिलाते थे, ओरल पोलियो वैक्सीन ओपीवी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, तब आपने देखा होगा बच्चे के शरीर के अंदर बुखार जैसे सिम्टम्स दिखते थे. क्यों, क्योंकि डब्ल्यूबीसी का प्रचार प्रसार जो है ब्लड के अंदर बढ़ता था, और जब भी डब्ल्यूबीसी जो है उसका प्रचार प्रसार बढ़ता है, है ना. अब क्या है यहाँ पर, ओरल पोलियो वैक्सीन में हमने एक वायरस डाल दिया, लाइव वायरस और एक डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर के अंदर, उसके लिए उसके रिस्पॉन्स को रिस्पॉन्ड करने के लिए डब्ल्यूबीसी का प्रचार प्रसार बढ़ जाएगा क्योंकि डब्ल्यूबीसी को क्या करना है, अटैक करना है, है ना. और इनके दोनों के बीच में क्या होगी, भिड़ंत, है ना. जब भी दो व्यक्ति आपस में लड़ते हैं तो आपस में फिर क्या पैदा होता है शरीर के अंदर, मतलब उसका टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है. अब यहाँ पर शरीर के अंदर दो चीजें लड़ रही है तो ऑब्वियसली बात है शरीर का टेम्परेचर बढ़ेगा, फीवर जैसे सिम्टम्स दिखते हैं, ठीक है. लेकिन बाई चांस अब इमेजिन कीजिए कि अगर डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर के अंदर फेल हो जाए, या फिर या तो डब्ल्यूबीसी फेल हो जाए, जो मैंने आपको बताया कि इम्यून सिस्टम काम नहीं कर पाया, और हमको जो माइल्ड वायरस दिया था, लाइव वायरस दिया था, उसने हमारे शरीर के अंदर एक्शन दिखा के तो उसी से पोलियो हो गया. एक तो ये कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्या, हमने ज्यादा लाइव वायरस पिला दिया, हमने माइल्ड वायरस तो पिलाया लेकिन उसको भी ज्यादा मात्रा में पिला दिया. इसीलिए तो बोलते हैं दो बूंद जिंदगी की, दो बूंद. आपने कैंपेन सुना था ना ओपीवी का, क्या था,
दो बूंद जिंदगी की, ठीक है? अभी दो बूंद ही क्यों पिलाना है, ज्यादा क्यों नहीं? मान लीजिए अगर आपने माइल्ड वायरस को भी बाटल भर पिला दिया तो माइल्ड वायरस इतना खतरनाक होगा कि वो भी आपके शरीर को हार्म कर जाएगा। इसलिए बहुत कम क्वांटिटी, लिमिटेड क्वांटिटी में आपको पिलाना था ताकि WBC काम कर सके। हमको क्या करना है, हमारा बेसिक एम क्या है, बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्टिम्युलेट करके एंटीबॉडीज डेवलप करवानी है। हमारा मतलब ये थोड़ी ना कि हमको पोलियो वायरस पी करके पोलियो करवाना है शरीर में, है ना? हमारा खाली इतना सा काम था कि WBC वो दो बूंद के ऊपर, दो बूंद लाइव वायरस जो हमने पिलाया उसके ऊपर अटैक करके क्या कर दे, एंटीबॉडी बना ले और उसको डिस्ट्रॉय कर दे। और एक बार एंटीबॉडी बन गई तो मैंने कल जैसा आपको बताया था, अडैप्टिव इम्यूनिटी के साथ में एक चीज अटैच होती है, क्या अटैच होती है, इम्यूनोलॉजी मेमोरी। इम्यूनोलॉजी मेमोरी क्या होती है कि एक बार जब WBC ने इस पर्टिकुलर लाइव वायरस के लिए एंटीबॉडी का निर्माण कर लिया तो इन फ्यूचर अगर हमारे अंदर शरीर के अंदर फिर से वायरस अटैक होता है तो WBC के पास इस एंटीबॉडी का साइज शेप सब डेवलप्ड होगा। वो डायरेक्ट क्या करेगा, जाएगा सिग्नल देगा कि ये वाला वायरस आया है, इस वायरस को अटैक करने के लिए हमारे पास एंटीबॉडी ऑलरेडी तैयार है, उस एंटीबॉडी को बनाओ और अटैक के लिए छोड़ दो। तो अगली बार जब वायरस अटैक होगा तो एंटीबॉडी हमारे पास मौजूद होगी और रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा, कम। और रिस्पॉन्स टाइम कम होगा तो वो आसानी से वायरस, जिसके जब तक वायरस हमारे शरीर को किसी भी अंग को अफेक्ट करता उसके पहले ही रिस्पॉन्स टाइम कम होने के कारण एंटीबॉडी ने उस पोलियो वायरस को हरा करके भगा दिया। तो हमारा मकसद तो ये है। लेकिन अगर ये दो बूंद की जगह मैं बोलूं दो बॉटल, तो फिर मेरे को यहां पर जिंदगी की नहीं लिखना पड़ेगा, यहां पर लिखना पड़ेगा मौत की, कि दो बॉटल मौत की। क्यों? क्योंकि हमने सीधा पोलियो वायरस ही इतना मात्रा में पिला दिया कि वो एंटीबॉडी जब तक बनती उसके पहले वायरस ने अपने खेल दिखा दिए और जिस शरीर के अंग को उसको हार्म करना तो कर जाएगा। इसीलिए वहां पर हम वैक्सीन के डोजेस जो है वो भी लाइव वैक्सीन के केस में इस तरीके से मैनिपुलेट करके, इस तरीके से हमको मॉनिटर करके डालने पड़ते हैं कि ताकि शरीर का इम्यून सिस्टम को स्टिम्युलेट करे, ना कि वो खुद वैक्सीन ही वायरस का काम कर दे, ना वैक्सीन हार्म ना करे। इसलिए हमने ये सब खेल यहां पर खेले। अब इस खेल से बचने के लिए हमने क्या चालू किया, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, ताकि हम वायरस का जो मतलब जो हार्म करने वाला तत्व था उसको इनएक्टिव कर दें, वायरस को मार ही दें, ताकि बाय चांस अगर ज्यादा भी पिला दी तो उस वैक्सीन के कारण होने वाले पोलियो के खतरे को हम से बच सके। ना ऐसे केसेस आए पहले कि पोलियो वैक्सीन ज्यादा मात्रा में पिलाने से लोगों को पोलियो हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ हेल्थ वर्कर इतने ट्रेन तो थे नहीं, तो क्या करते थे, है ना, दो बूंद बोला यार हो ठीक है, दो की जगह चार डाल दो यार, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, बॉटल भर पिला दी तो उससे क्या होगा, हमारा शरीर के अंदर ही पोलियो हो गया। तो उस पर्टिकुलर खतरे से बचने के लिए डॉक्टर्स ने या फिर बायोलॉजिस्ट ने क्या तरीका, साइंटिस्ट ने क्या वैक्सीन निकाली, इनएक्टिवेटेड, कि वायरस को किल करके शरीर के अंदर छोड़ा जाए ताकि थोड़ा बहुत डोज ऊपर नीचे हो भी जाए या फिर वायरस के द्वारा जो खतरा हमको था कि हम लाइव वायरस पिला रहे हैं उससे कोई को पोलियो वायरस ना हो जाए या फिर कोई डिसीज का खतरा ना हो जाए, उसके कारण हम क्या करते हैं वायरस को किल करके शरीर के अंदर डाल देते हैं ताकि इम्यून सिस्टम तो स्टिम्युलेट होगा लेकिन उसके कारण होने वाला जो हार्म था, वायरस के कारण जो होने वाला हार्म था उससे हम बच गए, ठीक है। तो वायरस को किल करके हमने पिलाना चालू किया जिसको हम बोलते हैं क्या, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। तो ये दो चीजें हमने समझी, तो चीजें कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में क्लियर करके चलना है ना। अभी भी ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से चीजें सही हो गई, अभी भी चीजें क्या है, कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिसके खिलाफ हमारी बॉडी काम ही नहीं कर पाती, मतलब कि कुछ वायरसेस ऐसे हैं जिसके लिए हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाने के लिए सक्षम नहीं है। उस केस में हमको क्या करना पड़ता है, दो तीन चीजें, या कुछ ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं, वायरस की जगह ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं, कुछ सेल्स हैं जिसके खिलाफ हमारी शरीर जो है एंटीबॉडी नहीं बना सकता, तो उसमें हमको क्या करना है। जैसे मान लीजिए कैंसर सेल है, इसके खिलाफ हमारी बॉडी में जो है एंटीबॉडी नहीं बन पा रही, तो या तो हम एक्सटर्नल माध्यम से एंटीबॉडी बनाएं और अंदर डाल दें, एक ये चीज हो सकती है, या फिर हम क्या करें, हम इसके द्वारा बनाए गए टॉक्सिन्स के लिए एंटीबॉडी बनाएं, है ना। टॉक्सिन्स मतलब कि उस पर्टिकुलर, ये कैंसर सेल का एग्जांपल ले रहे हैं खाली, हम ऐसे बैक्टीरियाज भी हो सकते हैं जो हमको हार्म करते हैं, उन बैक्टीरियाज के अंदर से क्या निकलता है, टॉक्सिन, इन टॉक्सिन से भी एंटीबॉडी अटैच होती है, हमने अभी देखा।
तो या तो हम बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए एंटीबॉडी बना लें, लेकिन अगर हमारा शरीर जो है वो बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए एंटीबॉडी नहीं बना पा रहा, तो किसको खत्म करने के लिए एंटीबॉडी बनवाएगा? टॉक्सिन्स को, है ना। अगर बैक्टीरिया हम लाइव डालते हैं, लेकिन वो बैक्टीरिया लाइव डालने के बाद भी हमारा शरीर जो है वो एंटीबॉडी नहीं बना पा रहा, या फिर वो वायरस को लाइव डालने के बाद भी हमारा शरीर एंटीबॉडी नहीं बना पा रहा, तो हम क्या करें? फिर हम ऐसा कुछ काम करें कि उस एंटीबॉडी, उस एंटीजन, मतलब कि उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया, उस पर्टिकुलर वायरस के द्वारा जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, टॉक्सिन्स ही तो हार्मफुल केमिकल है, है ना। अब ये जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर रहा है, ये जो हार्म करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए कुछ बना लें। तो अगर बाई चांस इन फ्यूचर अगर हमारे शरीर के अंदर वो बैक्टीरिया, वो वायरस अटैक करे, तो अटैक तो होगा, लेकिन वो जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करेगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास एक एंटीबॉडी ऑलरेडी मौजूद होगी उस टॉक्सिन को कवर करके बाहर फेंकने के लिए। तो वायरस जरूर शरीर के अंदर रहेगा, लेकिन उसके द्वारा बनाए गए टॉक्सिन्स जो कि हमारे शरीर को हार्म करने वाले थे, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास एंटीबॉडी तैयार हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे? हम खाली टॉक्सॉइड्स बनाएंगे, टॉक्सिक बेस्ड एंटीबॉडीज या सब यूनिट बेस्ड एंटीबॉडीज, है ना। उसके द्वारा बनाए गए टॉक्सिन्स को हम खत्म करने के लिए क्या कर दिए? एंटीबॉडी का निर्माण करवा लिया, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना है, है ना, इसके लिए हमको टॉक्सॉइड वैक्सीन बनानी पड़ेगी, जो हमने कल जाना था। एक और चीज है कि एक तो हमने एक्सटर्नली बना करके दे दी, एक टॉक्सिन्स के माध्यम उसके टॉक्सिन्स को खाली खत्म करने के लिए एंटीबॉडी बनवा ली, है ना। और तीसरी चीज क्या है कि एक सेल के मल्टीपल यूनिट्स होते हैं, है ना, पार्ट्स होते हैं, तो उसके एक सब पार्ट जो, और हर पार्ट जो है वो हार्मफुल नहीं है, कुछ ही पार्ट जो है हार्मफुल है। मतलब मान लीजिए कि ये एक वायरस है, है ना। वायरस में जैसे ही आप समझते हैं कि एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, है ना, इसका कुछ इतना हिस्सा, है ना, कुछ हिस्सा, मतलब पूरा हिस्सा नहीं, हम बोल दें तो थोड़ा सा हिस्सा, है ना, इतना हिस्सा जो है ये हार्मफुल है, इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है ये हार्मफुल है, या फिर ये जो मैसेंजर आरएनए है, या फिर ये जो आरएनए है उसका इतना सा हिस्सा जो है वो हमारे शरीर के अंदर नेगेटिव इम्पैक्ट करता है, बाकी हिस्से से हमको कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे सिंपल प्रोसेस तो ये था कि या तो पूरे वायरस को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम लाइव या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन बना लें, लेकिन अगर शरीर जो है पूरे वायरस के लिए रिस्पॉन्ड करने के लिए सक्षम नहीं है, तो हम क्या करें? खाली इतने हिस्से के लिए बना लें, ठीक है। तो सब यूनिट, सब पार्ट, है ना, सेम सब पार्ट जो है वो किसके लिए होता है? वो बैक्टीरियाज के लिए होता है, या फिर हम बोल सकते हैं तो प्रोटोजोआ के लिए कुछ सब पार्ट्स हैं, या फिर कोई भी एक ऐसा सेल के लिए भी सब पार्ट्स हैं, कि उसके सब पार्ट जो कि हार्मफुल हैं खाली उनके लिए वैक्सीन बनवा ले। अगर पूरे के पूरे सेल को डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहा, तो उस सब पार्ट को हम डिस्ट्रॉय करवा ले खाली। तो ये चीज हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा भी एक चीज हो सकती है कि जीन्स, जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक वैक्सीन, है ना, तो वो कैंसर कॉजिंग सेल का जो जीन है उसको हम डिस्ट्रॉय करने का काम कर दें। तो ये पॉसिबिलिटीज हैं, ये दो तो हमने देखी, इन दो में अगर काम नहीं हो रहा तो फिर ये चार पॉसिबिलिटीज हमारे पास हो रहे हैं। इसके लिए साइंटिस्ट ने काम किया, इसके लिए जो है साइंटिस्ट ने काम करके अलग अलग तरीके बनाए, इम्यूनोलॉजिकल इंटरवेंशन बनाए। उन्हीं इम्यूनोलॉजिकल इंटरवेंशन को अब हम देखते हैं, है ना, क्या क्या इम्यूनोलॉजिकल इंटरवेंशन हैं जो कि अलग से बनाए गए, है ना। अब देखिए, सबसे पहला इस लाइन, इस प्रक्रिया में ये दो चीजें समझाने के बाद, ये दो इंटरवेंशन समझाने के बाद, जो तीसरा इंटरवेंशन मैं आपको बता रहा हूं, दैट इज नोन एज टॉक्सॉइड वैक्सीन। क्या है? टॉक्सॉइड वैक्सीन। टॉक्सॉइड वैक्सीन मतलब टॉक्सिन्स पे अटैक करने वाली, है ना, खाली जो उस पर्टिकुलर केमिकल, मतलब उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म एंटीजन पैथोजन के द्वारा बनाई गई जो वैक्सीन, जो टॉक्सिन्स हैं उसको अटैक करने के लिए वैक्सीन बनानी है। इसमें हम क्या करते हैं, है ना, माइल्ड फॉर्म में वो टॉक्सिन इंसर्ट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कैंसर, जो हमारा कोई वायरस है उसके माध्यम से कुछ ऐसे तरीके का टॉक्सिन जो है जनरेट हो रहा है, वो टॉक्सिन हमने आइसोलेट कर लिया, है ना, एक्सटर्नली उस टॉक्सिन को हमने आइसोलेट कर लिया लैब के अंदर। उस टॉक्सिन को आइसोलेट करके उसको थोड़ा सा माइल्ड किया, और क्योंकि ये टॉक्सिन बहुत छोटा कम मात्रा में होगा और प्रोड्यूसिंग एजेंट बॉडी के अंदर नहीं है, जैसे कि अगर ये ह्यूमन बॉडी है, है ना, और मान लीजिए ये एचआईवी वायरस है, है ना। अब ये एचआईवी वायरस या फिर कोई भी एक ऐसा एंटीजन मान लेते हैं, एचआईवी तो टॉक्सिन्स नहीं प्रोड्यूस करता, कोई एक ऐसा एंटीजन है जो कि क्या बनाता है, टॉक्सिन्स,
और ये टॉक्सिन्स जो हैं वो क्या करते हैं, शरीर को हार्म करते हैं। अब ये एंटीजन कहाँ जाएगा, सबसे पहले तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जाएगा। तो एक तरीके से क्या किया हमने, ह्यूमन बॉडी के अंदर एक टॉक्सिन की फैक्ट्री लग गई, क्योंकि ये प्रोड्यूसर है, एंटीजन इज द प्रोड्यूसर ऑफ द टॉक्सिन। अगर वो ह्यूमन बॉडी के अंदर आ गया तो बार बार जितना मर्जी उतना टॉक्सिन बनाते जाएगा, और हमारे शरीर के अंदर एक टॉक्सिन की फैक्ट्री बन गई। अब अगर टॉक्सिन की फैक्ट्री अंदर है तो बहुत सारे टॉक्सिन बनेंगे, और बहुत सारे टॉक्सिन को लड़ने के लिए बहुत सारी एंटीबॉडीज चाहिए, और इतनी एंटीबॉडीज एकदम से बनाना शरीर के लिए मतलब वो नहीं हो पाएगा, राइट? तो और शरीर के अंदर ये एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए एंटीबॉडी बनी नहीं पा रही, ये वाला प्रक्रिया तो खत्म हो गई। ये वाली प्रक्रिया हमने करके देख ली कि जिसमें हम इनएक्टिवेटेड या लाइव वैक्सीन बना लें, तो वो प्रक्रिया तो पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इस एंटीजन के द्वारा बनाए गए जो टॉक्सिन है ना, उसको एक्सटर्नली लैब के अंदर अलग से आइसोलेट कर लेंगे, मतलब कि खाली टॉक्सिन हटा देंगे उसमें से, उसके द्वारा जो बनाया गया टॉक्सिन है उसको आइसोलेट करके हमारे पास रख लेंगे, है ना। और शरीर के अंदर एंटीजन डालने की बजाय हम क्या करेंगे, इस टॉक्सिन को बहुत ही माइल्ड फॉर्म में अंदर डाल देंगे। अब क्या होगा, ये जब टॉक्सिन जाएगा अंदर तो एक टॉक्सिन की बहुत कम मात्रा जाएगी अंदर, सबसे पहली चीज तो, क्योंकि टॉक्सिन फैक्ट्री तो बाहर है, इसलिए कोई नया टॉक्सिन अंदर नहीं बन पाएगा, खाली वही टॉक्सिन रहेगा, और वो टॉक्सिन इतने ही मात्रा का रहेगा कि शरीर के कुछ ही सेल को हार्म कर पाए, अगर हार्म करे भी तो, राइट? और जब टॉक्सिन अगर अकेला अंदर गया तो उस टॉक्सिन को हार्म करने के लिए, फिर उसको खत्म करने के लिए हमारे शरीर क्या बना लेगा, एंटीबॉडी, राइट? और एक बार जब इस टॉक्सिन के लिए शरीर ने एंटीबॉडी बना ली, तो वो एंटीबॉडी कौन सी मेमोरी में स्टोर हो जाएगी, शरीर की इम्यूनोलॉजी मेमोरी में। और जब इन फ्यूचर हमारे ऊपर एंटीजन का अटैक होता है और एंटीजन अंदर आ जाता है और वो वापस से वही तरह का टॉक्सिन बनाता है, तो WBC के पास उस टॉक्सिन के लिए, हमारे इम्यून सिस्टम के पास उस टॉक्सिन के लिए क्या तैयार होगा, एंटीबॉडी। और जैसे ही टॉक्सिन बनेगा वो एंटीबॉडी जाकर के टॉक्सिन को खत्म कर देगी या फिर उस टॉक्सिन का इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगी। तो शरीर के अंदर एंटीजन एक फैक्ट्री तो लगा लेगा, लेकिन वो फैक्ट्री के द्वारा बनाए गए जो टॉक्सिन्स हैं उसको हमारी बॉडी न्यूट्रलाइज करने में सक्षम होगी, तो वो पर्टिकुलर एंटीजन जो है हमारे शरीर के हिस्से को ज्यादा हार्म या बिल्कुल भी हार्म नहीं कर पाएगा, राइट? तो दैट इज नोन एज टॉक्साइड वैक्सीन। ये चीज समझ में आया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सब यूनिट वैक्सीन, इसके अलावा सब यूनिट वैक्सीन को देखते हैं। देखिए जो नेक्स्ट तरीके वैक्सीन है, दैट इज सब यूनिट वैक्सीन। ये सब जितनी भी अपन चीजें पढ़ रहे हैं, ये सब टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन के माध्यम से संभव हो पाई। पहले तो खाली हम जिंदा वायरस पकड़ के डालना जानते थे, उसके बाद जो चीजें हुई उसी के माध्यम से हम चीजें जान पाए। अब ये सब यूनिट वैक्सीन क्या है, देखिए कि अगर मैं बोलूं कि एक ऑर्गेनिज्म है ना, मान लीजिए ये ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे सब पार्ट्स होंगे, है ना, और ये ऑर्गेनिज्म जो है इसको मैं बोल रहा हूँ पैथोजन, मतलब ये डिसीज कॉसिंग ऑर्गेनिज्म है जो एक शरीर के अंदर डिसीज कॉज करता है। अब इस पैथोजन के, इस ऑर्गेनिज्म के वेरियस सब पार्ट्स हैं, A, B, C, D, है ना, अलग अलग सब पार्ट्स है। अपने को उसमें नहीं जाना डीप में कि कौन सा सब पार्ट क्या होता है या कौन कौन से पार्ट होते हैं, अपने को खाली मालूम है कि इस पर्टिकुलर पैथोजन के हर एक ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे सब पार्ट्स होते हैं। अब इसमें हर एक पार्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है डिसीज के लिए। अगर मैं बोलूं तो खाली एक पार्ट रिस्पॉन्सिबल है शरीर, इस पर्टिकुलर जो पैथोजन है इसका, खाली जो ए वाला हिस्सा है यही शरीर के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करने के बाद उत्पाद मचाता है। उत्पाद मचाने वाला जो पार्ट है वो कौन सा है, ए। तो सबसे पहला काम तो क्या है, मैंने इनएक्टिवेटेड और लाइव वैक्सीन का ट्रायल कर लिया कि पूरे के पूरे पैथोजन को डाल के एक बार देख लेता हूँ, हो सकता है कि शरीर जो है इस पूरे पैथोजन के लिए एंटीबॉडी बना करके पूरे पैथोजन को डिस्ट्रॉय करने का तरीका ढूंढ ले। अगर वो पॉसिबल नहीं हो पाया तो फिर मैं क्या कोशिश करूंगा कि मैं इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को आइसोलेट करूंगा, ठीक है, और इसको डालने की कोशिश करूंगा कि खाली इसी पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए क्या हमारा शरीर एंटीबॉडी बना सकता है, उसको ट्राई कर लेंगे। अगर उस पर्टिकुलर माध्यम से हम सक्सेसफुल हो पाए तो चीजें हो पाएगी, ठीक है। सो दिस इज नोन एज आइसोलेटेड कंपोनेंट। इस कंपोनेंट को हमने आइसोलेट कर लिया और इस आइसोलेटेड कंपोनेंट को हमने बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया, और शरीर के इम्यून सिस्टम ने क्या किया, इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को खाली इतने से ही कंपोनेंट के लिए क्या बनाया, वैक्सीन या फिर एंटीबॉडी बोल सकते हैं, ठीक है। इस पर्टिकुलर इतने हिस्से के लिए हमने बना लिया एंटीबॉडी। अब ये जो एंटीबॉडी है ये किस तरीके से डेवलप हुई, इस सब यूनिट के लिए, तो इसको हम कौन सी वैक्सीन बोलते हैं, सब यूनिट वैक्सीन, राइट। इसके अलावा एक और तरीका है, और भी वैक्सीन है,
कौन सी? देखिए सब यूनिट वैक्सीन के बाद में जो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं दैट इज डीएनए वैक्सीन, डीएनए वैक्सीन। ठीक है, डीएनए वैक्सीन क्या होता है उसको देखते हैं। देखिए डीएनए आप सब लोग जानते होंगे, आपके शरीर के अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो डीएनए के फॉर्म में स्टोर होती है। डीएनए हमारे शरीर के अंदर डबल हेलिक्स मॉडल के फॉर्म में स्टोर होता है, इस तरीके से कुछ। ठीक है, लेकिन अभी हमको इस पर्टिकुलर डीएनए से नहीं मतलब, हमको क्या है देखिए, जो भी पैथोजन हमारे शरीर के अंदर आता है उसका भी क्या होता है एक डीएनए। ये हमारे ह्यूमन बॉडी का डीएनए नहीं है, ये किसका डीएनए है? पैथोजन का, है ना। अभी पैथोजन के डीएनए में भी अगर हम देखते हैं तो डीएनए स्ट्रैंड के अंदर में जीन्स होते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए ये एक जीन है ना, ई जीन, एक ये जो है जीन है पीएमआर जीन। तो ये जो दो जीन्स हैं, खाली यही दो जीन्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? डिसीज के लिए। बाकी जितने भी जीन्स हैं या फिर पूरा की पूरा ऑर्गेनिज्म जो है डिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, खाली ये दो जीन्स जो इस डीएनए स्ट्रैंड पे लगे हुए हैं यही दो जीन जो है वो क्या कॉज करते हैं? डिसीज। ठीक है, तो रादर देन कि हम पूरा पैथोजन शरीर के अंदर डालें, हम क्या करते हैं इन जीन्स को आइसोलेट कर लेते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा दो तीन कारणों के लिए कर रहे हैं। सबसे पहला तो कि पैथोजन अगर हम पूरा डालते हैं तो पैथोजन के सेकेंडरी एक्शंस होते हैं। सेकेंडरी एक्शंस क्या? देखिए मान लीजिए कि इस पर्टिकुलर जीन का खाली मतलब इस पर्टिकुलर डीएनए स्ट्रैंड में जो दो जीन से खाली यही रिस्पॉन्सिबल है डिसीज कॉज करने के लिए, लेकिन आपको एक चीज समझना होगी यहां पर कि ये जो दो जीन्स हैं ये कुछ ने कुछ दूसरे बॉडी पार्ट्स के साथ, मतलब ये अकेले एक्ट नहीं करते डिसीज पैदा करने के लिए, इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के दूसरे बॉडी पार्ट्स, अपनी बॉडी पार्ट्स की बात नहीं चल रही है, इस ऑर्गेनिज्म के इस पैथोजन के दूसरे बॉडी पार्ट्स के साथ में मिलकर के कंबाइंड एक्शंस देते हैं और उन कंबाइंड एक्शंस के माध्यम से हमको डिसीज का खतरा होता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में उसके डीएनए को निकाल लूं और उस डीएनए में भी खाली इतने इतने जीन्स के पोर्शंस को निकाल लूं और खाली इतने ही जीन को मैं क्या करूं बॉडी के अंदर डालूं, अब ये बॉडी कौन सी? ह्यूमन बॉडी। तो खाली क्या ये अकेले जीन्स जो है वो डिसीज कॉज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जीन जो है इनके साथ इस ऑर्गेनिज्म के दूसरे जो पार्ट्स हैं उन पार्ट्स के साथ मिल करके वो एक कंबाइंड एक्शन बना रहा था और इस कंबाइंड एक्शन के माध्यम से हमको डिसीज हो रही थी या फिर हमारे सेल्स को खतरा हो रहा था। लेकिन अगर मैं इस खाली इस पर्टिकुलर चीज को आइसोलेट करके नीचे डाल दूं तो हमारी बॉडी के अंदर डाल दूं तो क्या वो डिसीज कॉज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल है ना, युद्ध में एक सैनिक गया है ना, मान लीजिए एक युद्ध में एक सैनिक गया, उधर से सामने विरोधी सेना का एक सैनिक आ रहा है। ठीक है, और विरोधी सेना का जो सैनिक है ना वो यहां पर जीन है ये जीन्स, लेकिन वो विरोधी सेना का सैनिक तब तक काम नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास उसका हथियार ना हो, है ना। उसका हथियार कौन सा? इस ऑर्गेनिज्म के दूसरे पार्ट्स। ठीक है, तो हमने क्या किया, उस व्यक्ति के उस पर्टिकुलर सैनिक का हमने हथियार छीन करके साइड में रख दिया ताकि उस हथियार की मदद से जो वार करने वाला था वो हमारे ऊपर वो हो ही नहीं पाएगा। हमने क्या किया, खाली उस पर्टिकुलर सैनिक को ही उसके अंदर उतारा। तो उसके पास, सैनिक के पास चीजें तो है, वो डिसीज कॉजिंग तो है या फिर वो सैनिक जो है हमला करने के लिए सक्षम तो है, लेकिन उसके पास हथियार नहीं है। मतलब जो सेकेंडरी एक्शंस प्रोड्यूस होने वाले थे जिसके कारण शरीर को हार्म होने वाला, तो सेकेंडरी एक्शन प्रोड्यूस होंगे ही नहीं, शरीर को हार्म होगा नहीं। इसका मतलब यह है कि यह सबसे सेफेस्ट टाइप ऑफ वैक्सीन है, सबसे सेफेस्ट अभी तक जो मौजूद वैक्सीन है ना। जो हमने बेसिकली देखा है कि वैक्सीन के माध्यम से भी जो डिसीज का खतरा बढ़ जाता है कभी कभी, है ना, वो इस केस में नहीं होगा क्योंकि हमने जीन्स को आइसोलेट करके डाला है ना। इसको एक और नाम से जाना जाता है, जेनेटिक वैक्सीन। कैसे बनाई जाती है? बनाए जाने का तरीका है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अभी ऐसी कोई बनी नहीं है, लेकिन हाँ इसके ऊपर काम चल रहा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। एक और चीज, डीएनए अगर किसी के पास मौजूद नहीं हो तो जैसे कि हम अगर वायरस की बात कर रहे हैं तो वहां पर क्या मौजूद होगा? आरएनए।
सिंगल स्ट्रैंड। तो आरएनए के साथ भी क्या ये काम हो सकता है? तो हाँ बिल्कुल हो सकता है। आरएनए का एक स्ट्रैंड लेते हैं, इसके साथ में हम एक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए अटैच कर देते हैं इस आरएनए के साथ, तो ये एक बन जाता है कंप्लीट डीएनए। ये आरएनए किसका है? वायरस का, जो डिसीज कॉजिंग है, है ना। इसके साथ हमने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए अटैच कर दिया और एक कंप्लीट डीएनए बना लिया, है ना, कंपाउंड डीएनए। अब ये जो डीएनए है इसके अंदर जो जीन्स मौजूद है, उस जीन्स को हमने आइसोलेट कर लिया। जो जीन्स हमारी बॉडी में वायरस डिसीज कॉज करने वाले थे उसको आइसोलेट कर लिया, उनको मल्टीप्लाई कर लिया, और मल्टीप्लाई करने के बाद में, है ना, उन जीन्स को हमने हमारे शरीर के अंदर छोड़ दिया। वो जीन सेफ होंगे क्योंकि उसके साथ में कोई दूसरे बॉडी पार्ट्स उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के एसोसिएटेड नहीं है, तो सेकेंडरी एक्शन नहीं कर पाएंगे, और सेकेंडरी एक्शन नहीं कर पाएंगे इसलिए हमारी बॉडी को हार्म नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम इस पर्टिकुलर जीन से रिलेटेड क्या कर लेगा, या इस पर्टिकुलर डीएनए स्ट्रैंड के लिए क्या डेवलप कर लेगा, व्हाट वी कॉल एज एंटीबॉडी, और इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए एंटीबॉडी हमारे शरीर में बन जाएगी। अब इन फ्यूचर पूरा की पूरा ऑर्गेनिज्म हमको अटैक करता है, तो हमारे शरीर के पास इन जीन्स के लिए क्या बनी हुई है, एंटीबॉडी। इन जीन्स के जाके हमारा जो एंटीबॉडी हो जाके चिपक जाएगी। समझ में आया क्या? तो कुल मिलाकर के हमने क्या किया, उस पर्टिकुलर पैथोजन के हिस्सों को तोड़ना चालू किया, और उस पैथोजन की तोड़ तोड़ करके जो हिस्से हैं उनके लिए स्पेसिफिक रीजन्स के लिए हमने क्या डेवलप करवाना चाहिए हमारे शरीर के अंदर, एंटीबॉडीज, है ना। किस माध्यम से? वैक्सीन्स के माध्यम से। और इसी प्रक्रिया में हमने बहुत सारी वैक्सीन्स के बारे में जाना, है ना, डीएनए वैक्सीन हो गया, हमने टॉक्सॉइड वैक्सीन के बारे में जाना, सब यूनिट वैक्सीन, है ना। उसके बाद हमने जाना किस चीज के बारे में, इनएक्टिवेटेड और लाइव वैक्सीन्स के बारे में। अब हम जानते हैं, है ना, एक और इंटरेस्टिंग चीज के बारे में, एक और इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन के बारे में, जिसको हम बोलते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि या तो शरीर खुद एंटीबॉडी बनाए, तो अभी तक हमने शरीर से खुद से एंटीबॉडी बनवाई, है ना, हमने बाहर से एंटीबॉडी इंजेक्ट करी क्या? नहीं की। हमने अभी तक कोशिश करी कि शरीर खुद ही पैथोजन के लिए, या पैथोजन के किसी हिस्से के लिए, या फिर पैथोजन के अंदर जो जीन पाया जाता है उसके लिए, लेकिन पैथोजन के लिए हम क्या बना रहे हैं, शरीर खुद ही क्या बना रहा है, एंटीबॉडी। मतलब हमने बाहर से एंटीबॉडी अंदर अभी तक नहीं डाली। लेकिन अब जो मैं आपको एक टेक्नोलॉजी बताने जा रहा हूं वो क्या है, वो टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से हम जो है एंटीबॉडी बाहर ही प्रोसेस करते हैं और उसको अंदर किसके अंदर डालते हैं, शरीर के अंदर। देखिए कैसे, इसको, इस टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं मोनो क्लोनल एंटीबॉडीज, और ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हम लैबोरेटरी में बना सकते हैं। पहले तो समझते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या है। मोनो का मतलब वन, सिंगल, क्लोनल का मतलब हूबहू, सिमिलर, सेम एज इट इज, राइट। एंटीबॉडी हम सब लोग जानते हैं, ठीक है, मतलब कि एक सिमिलर काइंड की एंटीबॉडी बनाना, है ना। और ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या है, ये एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, है ना। कोई एंटीजन है, उस एंटीजन के अंदर बहुत सारे एपिटोप्स होते हैं, है ना। एपिटोप्स मतलब कि हार्मफुल एजेंट, जिसको हम बोल सकते हैं एपिटोप्स। अलग अलग जगह पर उसके एपिटोप्स होते हैं, है ना। जैसे मैं मान लूं कि कोई एंटीजन मेरे पास है जिसके शरीर के ऊपर 3 एपिटोप्स लगे हुए हैं, है ना। एक मैंने ब्लैक कलर से मार्क करके रखा है, एक मैंने रेड कलर से मार्क करके रखा है, और एक ब्लू कलर से, ठीक है। तो ब्लैक, रेड, ब्लू, 3 अलग अलग एपिटोप्स हैं, ना। इतना डिटेल इसलिए बता रहा हूं ताकि आप आसानी से समझ सकें उस चीज को, ठीक है। तो एंटीजन के ऊपर 3 एपिटोप्स हैं, है ना। अब 3 एपिटोप्स में से हमको पता है कि खाली ये रेड वाला जो है हार्मफुल है, ना। तो हम जो एंटीबॉडी हमारा शरीर भी बनाता है, ऐसा नहीं है कि एंटीबॉडी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हम खुद ही बनाते हैं या फिर बाहर ही बनता है, शरीर के अंदर भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनती है। शरीर के अंदर ही प्राइमरी पहले बनती थी, उसी से उसी प्रक्रिया को हमने लैबोरेटरी में जो है बनाना चालू किया, उसी प्रक्रिया को रेप्लीकेट करना हमने लैबोरेटरी में चालू किया। तो क्या होता है कि ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज किस तरीके से काम करती है, पहले तो हमने समझा कि एक जैसी सिमिलर एंटीबॉडीज, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, और साथ ही साथ इनका एक और फीचर कि ये खाली एक ही एपिटोप के साथ अटैच हो सकती है। जैसे मैंने इधर ब्लू, ब्लैक और रेड एपिटोप्स बताया, एक एंटीजन के ऊपर अलग अलग एरियाज, है ना, उनको बोलते हैं एपिटोप्स, है ना। तो इन अलग अलग एरियाज में से अगर कुछ एक स्पेसिफिक एरिया पे अटैच होने वाला जो एंटीबॉडी है, अब वो अगर रेड के लिए बना है तो खाली रेड के ऊपर ही, रेड एपिटोप वाले रीजन के ऊपर ही जाके अटैच हो पाएगा।
तो इसको हम बोलते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ये मतलब कि एक ऐसी एंटीबॉडी जो कि सिमिलर हो, है ना, और एक ही तरह के एपिटोप एंटीजन के ऊपर मौजूद, एक ही तरह के एपिटोप के ऊपर अटैच हो, या फिर होलिस्टिक भाषा में अगर मैं बोलूं तो एक ऐसी एंटीबॉडी जो कि खाली एक ही एंटीजन से लड़ सके, है ना, मल्टीपल एंटीजन से नहीं। तो क्या ऐसे भी कोई एंटीबॉडी होती है जो कि मल्टीपल से लड़ सकती है? हाँ लड़ सकती है, ऐसी होती है शरीर के अंदर जिसको हम बोलते हैं पॉलीक्लोनल। एक जैसी अलग अलग बहुत सारी एंटीबॉडीज जो कि एक ही एंटीजन से नहीं, मल्टीपल एंटीजन से। अब ये दूसरा एंटीजन नंबर बी, एंटीजन नंबर सी, ये पॉलीक्लोनल जो है इन सब के साथ अटैच हो सकती है, लेकिन मोनोक्लोनल खाली एक, ओनली वन एंटीजन के लिए अटैच हो सकती है, और एंटीजन में भी खाली एक एपिटोप के साथ अटैच हो सकती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्या, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ठीक है। तो ये चीजें आप, ये सबसे पहले तो हमने समझा क्या मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। अब ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को हम क्या कर सकते हैं, बाहर बना सकते हैं लैब में, है ना। किस तरीके से बनता है लैब में, एक टेक्नोलॉजी में बताता हूं आपको, नाम उसका हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। ये वो टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। किस तरीके से, देखिए एग्जांपल लेते हैं कैंसर, जैसे कैंसर सेल है ना। अब जब ये कैंसर सेल बनता है बॉडी के अंदर, जब कैंसर बढ़ना चालू होता है, तो आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि बहुत सारे लोगों की बॉडीज जो हैं वो कैंसर सेल से जीत जाती हैं, मतलब कि कैंसर को हरा देती हैं बॉडीज। ट्रीटमेंट के माध्यम से भी हो सकता है और स्वयं बॉडी की इम्यूनिटी के माध्यम से भी होता है, राइट। वो किस तरीके से पॉसिबल है कि बॉडी ने क्या बना लिया है, एंटीबॉडीज के लिए, इस कैंसर सेल के लिए बॉडी ने बना ली एंटीबॉडी, है ना। अब हमको क्या करना है, ये जो कैंसर सेल है इसके लिए शरीर ने बनाई एक एंटीबॉडी, है ना, जिसको हम बोलते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, क्योंकि खाली वो कैंसर सेल के लिए काम आ रही है, है ना। अब ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी और इस पर्टिकुलर सेल के सिस्टम को हमने आइसोलेट कर लिया लैब के अंदर, है ना। इस पर्टिकुलर जो सिस्टम था, है ना, कैंसर सेल और उसके उसके लिए उसको खत्म करने के लिए बनी एक बॉडी, है ना, एंटीबॉडी। तो इन दोनों के सिस्टम को, जिसको हम बोलते हैं एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, उस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को हमने क्या किया, आइसोलेट कर लिया। आइसोलेट मतलब कि हमारे शरीर से निकाल करके उसको, मतलब उसके साथ में जो दूसरी चीजें उसको हटा दी, खाली हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या था, खाली इतनी सी चीज थी, तो उसको आइसोलेट करके कल्चर में डाला, है ना। आपने सुना होगा ना वर्मी कल्चर, ऐसे कल्चर, कल्चर मतलब कि ऐसी चीज जिसके अंदर ये पर्टिकुलर सिस्टम जो ग्रो कर पाए, है ना। अब ये ग्रो करेगा, कैंसर सेल अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगे इस कल्चर के अंदर, जैसे जैसे कैंसर सेल मल्टीप्लाई करेंगे वैसे वैसे एंटीबॉडी मल्टीप्लाई करेगी, है ना। और हमारा मकसद क्या था, ये एंटीबॉडी को मल्टीप्लाई कराना, ठीक है। तो जैसे जैसे कैंसर सेल मल्टीप्लाई हुआ वैसे वैसे एंटीबॉडी मल्टीप्लाई हुई। अब हम क्या करेंगे, इस एंटीबॉडी को इस कैंसर सेल से सेपरेट कर लेंगे, और ये हमारे लिए क्या होगी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आ गई। कौन से मेथड से बनी, हाइब्रिडोमा मेथड, लेबोरेटरी का मेथड है। अब ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो बनी है उसको मैं क्या करूंगा, इंसान के शरीर के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दूंगा। अब ह्यूमन बॉडी के अंदर जब मैंने इसको इंजेक्ट किया तो ये क्या करेगा, ह्यूमन बॉडी के अंदर मौजूद दूसरे कैंसर सेल्स के ऊपर अटैक करेगा और उनको खत्म करने का काम करेगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल कैंसर सेल भी अलग अलग तरीके के होते हैं। अब मैं ब्रेस्ट कैंसर सेल की बात करूं तो यहां पर एक एंटीजन मौजूद होता है HER2 एंटीजन, ठीक है। अब ये HER2 जो एंटीजन है यहां पर, है ना, HER2 जो एंटीजन इस पर्टिकुलर कैंसर सेल के ऊपर अटैच्ड है, तो मुझे क्या करना है, इस पूरे के पूरे कैंसर सेल में से ये एंटीजन और इसके द्वारा इसके ऊपर बनाया गया, इसके लिए बनाई गई एक एंटीबॉडी शरीर के द्वारा ही बनी गई, या तो हमारा खुद का शरीर बना रहा हो। अगर खुद का ह्यूमन शरीर अगर बनाने में फेल हो जाए तो हम क्या करते हैं, कोई ऐसे एनिमल का शरीर लेते हैं, है ना। हो सकता है ना सबको एक कैंसर सेल हार्म ना करे, तो कुछ ऐसे एनिमल्स के एनिमल का शरीर लेते हैं जो कि उस कैंसर सेल का एंटीबॉडी बना पाए, क्योंकि एंटीबॉडी तो कुल मिलाकर के क्या है, वो एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए, खत्म करने की चीज, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उस एनिमल सेल, एनिमल के अंदर कैंसर को इंट्रोड्यूस कराएंगे, उस एनिमल के अंदर जो उसका इम्यून सिस्टम, एनिमल का इम्यून सिस्टम है, वो कैंसर से लड़ने के लिए क्या बना देगा, एंटीबॉडी,
फिर उस एनिमल सेल के एनिमल के अंदर से हम वो जो कैंसर का सेल है और ये एंटीबॉडी है दोनों को आइसोलेट करके बाहर निकाल लेंगे लैब के अंदर और इसको कल्चर में रख देंगे। अब जैसे ही कल्चर में रखा तो कैंसर सेल बढ़ेगा, वैसे ही एंटीबॉडी बढ़ेगी, जितनी एंटीबॉडी की हमको जरूरत है उन एंटीबॉडीज को हम निकाल लेंगे। एंटीबॉडी को निकाल करके है ना हम जो मानव है उसके अंदर भी ये तरीका कैंसर एंटीजन है तो उस मानव के अंदर में हम उस एंटीजन को इस एंटीबॉडी को छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद जो है वो उस पर्टिकुलर मानव के अंदर उस पर्टिकुलर जगह पर जाएगा, उस पर्टिकुलर टारगेट पर जाएगा जिसके लिए वो अटैक करने के लिए बना है, उस टारगेट को जाकर उसको डिस्ट्रॉय कर देगा ना। टारगेटेड फॉर्म में डिस्ट्रक्शन करती है ना, हर किसी सेल को हमला नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जैसा कि हमने जाना खाली एक ही जगह पर या एक ही एंटीजन के लिए बनती है। इसका मतलब यह है कि शरीर के दूसरे किसी सेल को इससे हार्म नहीं होगा, खाली उसी कैंसर सेल्स के लिए जिसके लिए वो बनी है उसी को जाकर के हार्म करेगी। इसका मतलब यह है कि बहुत ही टारगेटेड है ना? और बॉडी के अंदर जैसे ही एक बार उसने कैंसर सेल पर अटैच हो गई, जैसे ही कैंसर सेल मल्टीप्लाई होगा वैसे एंटीबॉडी मल्टीप्लाई होती जाएगी, राइट? तो इस तरीके से मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो है इसके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, शरीर के अंदर डायरेक्टली एंटीबॉडी इंजेक्ट कर रहे हैं। जब भी एंटीबॉडी डायरेक्टली इंजेक्ट करते तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैसिव इम्यूनाइजेशन। पैसिव इम्यूनाइजेशन मतलब कि शरीर के अंदर डायरेक्टली बाहरी रूप से निर्मित एंटीबॉडी का इंजेक्शन कर देना किसी भी माध्यम से। एक्टिव इम्यूनाइजेशन क्या था? एक्टिव इम्यूनाइजेशन वो था कि जिसमें शरीर खुद ही अपनी एंटीबॉडी स्वयं बनाए, ठीक है? तो ये कौन सा तरीका हो गया? पैसिव इम्यूनाइजेशन का तरीका है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। कौन से मेथड से हमने बाहर लैब में बनाई? हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से। और उसको एक मानव जिसके अंदर वो पर्टिकुलर एंटीजन मौजूद है उसके शरीर में छोड़ दी तो वो क्या करेगी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी डायरेक्टली जाके उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने का काम करेगी। सिंपल सा है, गोटा मारो आगे बढ़ो वाला काम भी कर सकते हैं कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर एंटीबॉडीज है ना विच आर सिमिलर टू द पेरेंट सेल and are designed to or are specifically targeted towards one antigen only, ek antigen ke liye banayi gayi hai, right? To ye monoclonal antibodies, it can be manufactured in lab by using hybridoma technology and injected in a infected organism or infected human, aur us human ke andar ja inject karne ke baad it will destroy the infection or it will destroy the pathogen for which it was created, targeted way mein usko destroy karne ka kaam karegi. To isko hum kya bolte मोनोक्लोनल एंटीबॉडी टेक्नोलॉजी और हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी जिसके माध्यम से हम इसको लेबोरेटरी में बनाते हैं। तो ये एक नया सिस्टम है या फिर ये एक नया हम बोल सकते हैं आयाम है बायोटेक्नोलॉजी का जो कि हम देखते हैं इम्यूनाइजेशन के फील्ड में या इम्यूनोलॉजी के फील्ड में। तो ये हो गया हमारा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का कॉन्सेप्ट। 3 मार्कर में पूछा जा सकता है और जब भी टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन पूछा जाए तो इसका उल्लेख करना आवश्यक है। इसके बाद कुछ और चीजें बताता हूं मैं आपको, जैसे कि एक होती है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी इज अ प्रूवन मेथड जो कि अभी यूज कर रहे हैं डॉक्टर्स किसको ट्रीट करने के लिए, कैंसर को। क्या करते हैं इसमें, सेम चीजें जो हमने पढ़ी है ना, हम हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम के अंदर एंटीबॉडी को इंजेक्ट करते हैं उस कैंसर सेल से लड़ने के लिए। किस तरीके से हमने कैंसर सेल इंजेक्ट किया, एंटीबॉडी इंजेक्ट करी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बना करके, तो उस पूरी थेरेपी को क्या नाम देते हैं हम, इम्यूनोथेरेपी, ठीक है? तो इम्यूनोथेरेपी के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली कैंसर से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज को हम शरीर के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं। एक और चीज मैं आपको बताता हूं बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इम्यून सप्रेशन। ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हमने बनाना चालू किया बहुत सारी जगह काम करती है। इम्यून सप्रेशन दो वजह से, दो चीजों के लिए करना पड़ रहा है, एक तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन या फिर शरीर को जो भी रिक्वायरमेंट है जो सामने वाला डोनर दे रहा है उसको शरीर एक्सेप्ट करे, इसलिए हमको हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना है ताकि मान लीजिए किसी का किडनी खराब हो गया और कोई दूसरा डोनर किडनी देने के लिए तैयार है लेकिन हमारे शरीर को क्या पता कि किडनी हमारे फायदे के लिए, मतलब शरीर को तो पता है लेकिन हमारे इम्यून सिस्टम को क्या पता कि जो एक्सटर्नल किडनी आ रही है उसके ऊपर अटैक नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर हिस्सा बनेगी थोड़े समय बाद, ठीक है? लेकिन हम जैसे ही उस शरीर के अंदर में हम जैसे ही किडनी लगाते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम जो उसी किडनी के साथ लड़ने लगता है क्योंकि वो उसके साथ फेमिलियर नहीं है, वो तो एक्सटर्नल किडनी है बाहर के किसी व्यक्ति ने दी है और हमारे इम्यून सिस्टम को कितना क्या पता है कि कोई भी बाहर का ऑर्गेनिज्म आए उसके ऊपर अटैक करो। चीजें सिंपल है,
अटैक करना चालू करेगी, किडनी जो हमने बाहर से ली वो तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, काम करना बंद कर देगी, राइट। तो इसलिए ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जो होता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में हेल्प करती है ना, ब्लड के अंदर भी हेल्प करती है, ब्लड में भी चीजें हमको देखना पड़ती है। इम्यून सिस्टम जो है, जब हमको ब्लड ट्रांसप्लांट करना है उस समय पे भी काम करना पड़ता है, कि ब्लड ट्रांसप्लांटेशन में भी इम्यूनो सप्रेशन जरूरी है। तो पता चला कि ब्लड के अंदर जो एंटीजन्स हैं या फिर जो एंटीबॉडीज हैं उसको, उसके खिलाफ जो हमारी एंटीबॉडी लड़ना चालू कर देगी, तो भारी प्रोटीन है उसके लिए एंटीजन है, वो एंटीबॉडी भले ही उस ब्लड के लिए होगी लेकिन हमारी शरीर के अंदर जब वो ब्लड आएगा तो उसके लिए वो एंटीजन नहीं है, वो एंटीजन ही रहेगा। एंटीबॉडी भले ही हो, वो सामने वाले के ब्लड के लिए एंटीबॉडी हो लेकिन हमारे शरीर के लिए वो क्या रहेगी, एंटीजन। और वो एंटीबॉडीज, हमारा शरीर जो एंटीबॉडीज बनाएगा उस एंटीजन से लड़ने के लिए, और ब्लड को ट्रांसप्लांटेशन जो हुआ है उसको खत्म कर देगा, है ना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाएगा, दिक्कत होने लगेगी शरीर में। तो इसके लिए एक तो जरूरी है कि एक्सटर्नल डोनर से हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट ले सके, साथ ही साथ ऑटो इम्यून कंडीशन, ऑटो इम्यून कंडीशंस के लिए। आपने सुना होगा एलर्जिक अस्थमा के बारे में, राइट, आपने सुना होगा डायबिटीज टाइप 1 डायबिटीज के बारे में, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है ये क्या है, सब ऑटो इम्यून कंडीशन है। ऑटो इम्यून कंडीशन मतलब कि हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही ऑर्गेन्स के साथ लड़ने लगता है, है ना, मतलब कि हम एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव डिवाइस है खुद में ही, कि हमारा इम्यून सिस्टम अगर फेल हो गया हमारे ऑर्गेन्स के साथ लड़ने लगे तो हमारा शरीर को खुद ही स्वाह कर देगी, नष्ट कर देगी। तो इस केस में हमको क्या करना पड़ता है, ऑटो इम्यून सिस्टम जैसी कंडीशंस में हमको इम्यून सिस्टम का सप्रेशन करना पड़ता है, ताकि हम उन डिसीजेस से बच सकें या फिर हमारा ही इम्यून सिस्टम की एंटीबॉडीज से बच सकें। तो उसमें भी क्या करना पड़ता है हमको, हम क्या करते हैं इम्यून सप्रेशन के लिए, एंटीबॉडीज छोड़ते हैं शरीर के अंदर। कैसी एंटीबॉडीज छोड़ते हैं, ऐसी एंटीबॉडीज छोड़ते हैं जो शरीर की खुद की एंटीबॉडीज के साथ लड़े। मतलब कि ये मान लीजिए आपके शरीर ने, है ना, डायबिटीज का जो मैं बात करता हूँ, डायबिटीज का एग्जांपल लेता हूँ, डायबिटीज टाइप 1 डायबिटीज का। तो टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है, बेसिकली हमारा शरीर एक एंटीबॉडी बनाता है, ये ब्लैक कलर से मैं बना रहा हूँ, हमारे शरीर द्वारा बनाई गई एंटीबॉडी, ये जाकर के किसको हार्म करने वाला है, पेनक्रियास को, शरीर के अंदर मौजूद पेनक्रिया को। और वही कंडीशन को क्या बोलते हैं, डायबिटीज टाइप 1 डायबिटीज, ठीक है। लेकिन अब ये जो हमारे शरीर के द्वारा बनाई गई एंटीबॉडी है, लेकिन इसको भी रोकने के लिए हम क्या करेंगे, एक बाहर से एक एंटीबॉडी लाएंगे, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी या फिर बाहर से बनाई गई एंटीबॉडी, ये ब्लू कलर से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं बाहर से बनाई हुई एंटीबॉडी को, जो कि इस एंटीबॉडी के साथ अटैच हो जाएगी। ये हमारे शरीर की एंटीबॉडी, ये बाहर से हमने आर्टिफिशियली बनाई गई एंटीबॉडी, इन दोनों को अटैच करा दिया। अब ये दोनों अटैच हो जाएंगे आपस में, तो जो एंटीजन एंटीबॉडी जो है, जो हमारे ऑर्गेनिज्म हमारी द्वारा बनाई गई एंटीबॉडी जो हमारे ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय करने में लगी हुई थी पेनक्रियास को, वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगी। पर ये क्या है, आर्टिफिशियल इंजेक्शन ऑफ एंटीबॉडी। तो ये कौन सी चीजें होंगी, पैसिव इम्यूनाइजेशन, राइट। तो ऑटो इम्यून कंडीशंस के लिए और इन चीजों के लिए हमको किस चीज की जरूरत पड़ी, इम्यून सप्रेशन की। और इम्यून सप्रेशन जो है अभी बहुत ज्यादा कम मात्रा में हम देखने को मिलता है, कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन क्यों बढ़ रहा है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन पहले क्यों संभव नहीं था, क्या पहले हमको नहीं पता था कि ऑर्गन इधर से उठाकर इधर डाल सकते हैं, डाल सकते थे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी हमारे खुद के शरीर के इम्यून सिस्टम को किस तरीके से हम कंट्रोल करें, ताकि हम जब ऑर्गन दूसरे व्यक्ति के ऑर्गन को हमारे शरीर में डालें तो काम कर सके। तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो टेक्नोलॉजी हमने बनाई उसको बोलते हैं इम्यून सप्रेशन टेक्नोलॉजी, है ना, जो कि ऑटोइम्यून कंडीशन से भी लड़ती है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के समय भी हेल्प करती है। इसीलिए आप देखते हैं आज की तारीख में हम हर एक ऑर्गन को रिप्लेस करने की कला, हर एक तो नहीं बोल सकते, मैक्सिमम ऑर्गन्स को रिप्लेस करने की कला जान चुके हैं, और बहुत सारे ऑर्गन्स हम ट्रांसप्लांट करवाते भी हैं, और उससे कोई हमारे शरीर में विकार उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि हम इम्यून सप्रेशन का तकनीक सीख चुके हैं, राइट। तो ये एक नई टेक्नोलॉजी, इम्यून सप्रेशन टेक्नोलॉजी, तो ये भी आपके लिए काम की, ये भी बायोटेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन इन द फील्ड ऑफ इम्यूनाइजेशन, ये इम्यूनोलॉजी, ठीक है। इसके बाद एक और चीज मैं बताता हूं जो करंट में आपकी चर्चा में भी रही, है ना, कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। अभी मैंने कुछ पिछले लेक्चर्स में भी उसके बारे में बताया, है ना, ये भी एक तरीके से पैसिव इम्यूनाइजेशन का मेथड है। क्या है, कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। ये आज की क्लास का हमारा आखिरी टॉपिक रहेगा, और इसी के साथ हम कंप्लीट करेंगे क्या, बायोटेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। क्या होती है इसको समझते हैं, देखिए एग्जांपल, लाइव एग्जांपल लूंगा अभी का, जिसके लिए ये बेसिकली यूज हो रही है ना। कौन सा एग्जांपल, कोरोना,
पहले भी दो बार मैं ये चीजें समझा चुका हूं आपको, थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, एक व्यक्ति है, नाम है राम। ये राम नामक व्यक्ति को है ना कुछ समय पहले कोरोना वायरस का अटैक हुआ है ना, इसको कोरोना वायरस का अटैक हुआ, इस व्यक्ति की बॉडी ने उसके साथ लड़ने की कोशिश करी है ना, और कुछ समय के बाद हमने देखा, कुछ एक महीने के बाद मान लीजिए 30 डेज के बाद में, इस व्यक्ति के इम्यून सिस्टम ने कोरोना वायरस के लिए क्या डेवलप कर ली, एंटीबॉडी है ना। तो मान लीजिए ये कोरोना वायरस सेल्स हैं है ना, और इसके शरीर ने है ना ये एंटीबॉडीज हैं और ये कोरोना वायरस के सेल्स हैं, ये जो इसके शरीर के अंदर मौजूद थे, ठीक है। तो ये एंटीबॉडीज ने ये कोरोना वायरस के लिए एंटीजन डेवलप करके अपने पास, या फिर ये कोरोना वायरस एंटीजन के लिए इसके शरीर ने एंटीबॉडी डेवलप कर ली, तो क्या होगा कि इसके शरीर ने उससे लड़ करके, कोरोना से लड़ करके जीत प्राप्त कर ली। लेकिन जब जीत प्राप्त करी तो जो इसके शरीर ने एंटीबॉडीज बनाई थी, क्या वो तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो गई? नहीं हुई। वो क्या होगा, इसके ब्लड प्लाज्मा के अंदर मौजूद होगी कुछ समय के लिए। ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा है उसके अंदर में ये एंटीबॉडीज का प्रचलन रहेगा कुछ समय के लिए, जब तक ये डेथ नहीं होती, पूरी तरह से एंटीबॉडीज खत्म नहीं होती। तो इसके ब्लड के अंदर में क्या है, एंटीबॉडीज, ठीक है। और वो एंटीबॉडीज किसके, किससे लड़ने में सक्षम है, शरीर के द्वारा बनाई गई है, और किससे लड़ने में सक्षम है, कौन से वायरस से, कोरोना वायरस से, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, अब हम क्या करेंगे है ना, या तो हम इसके शरीर से एंटीबॉडीज निकाल लें, डिफिकल्ट प्रोसेस, इसके शरीर से ही एंटीबॉडी निकाल करके कलेक्ट कर लें कहीं पे, डिफिकल्ट प्रोसेस है। और दिक्कत यह है कि ये डिफिकल्ट प्रोसेस अभी हम करना मुश्किल है, हमारे लिए संभव नहीं है, अभी की टेक्नोलॉजी के हिसाब से डिफिकल्ट चीजें हैं, ठीक है। दो हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जैसी चीजें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का हम अभी प्रयोग नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये हम ये तो ये करें है ना, एंटीबॉडीज निकाल लें, लेकिन ये मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं, हम इसके शरीर का ब्लड प्लाज्मा ही निकाल लेते पूरा, ठीक है। और ये ब्लड प्लाज्मा जिसके अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडीज मौजूद है, उस ब्लड प्लाज्मा को हम किसके अंदर डाल देते हैं, दूसरे व्यक्ति के अंदर। ये दूसरा व्यक्ति है बी, या फिर इसको बोल सकते हैं घनश्याम, राम घनश्याम। घनश्याम को अभी अभी कोरोना हुआ है और इसकी बॉडी सक्षम नहीं है कि एंटीबॉडी बना ले, इसकी बॉडी जो है एंटीबॉडी बनाने के लिए सक्षम नहीं है। तो हमने क्या किया, राम से बोला, भाई राम साहब आपकी शरीर के अंदर में इतना अच्छा इम्यून सिस्टम है कि जिसने कोरोना से लड़ने के लिए एंटीबॉडी डेवलप कर ली है, अब आप एक काम कीजिए कि आपके शरीर के अंदर से हम कुछ मात्रा में ब्लड निकालेंगे और उस ब्लड के अंदर से जो प्लाज्मा है उसको आइसोलेट करके उस ब्लड प्लाज्मा को हम किस में डाल देंगे, कोई दूसरे व्यक्ति में, है ना। और ये जब ये थेरेपी हम कर रहे हैं, ब्लड प्लाज्मा का एक्सट्रैक्शन करके दूसरे व्यक्ति में डाल रहे हैं, तो हम कुल मिलाकर के क्या डाल रहे हैं, इस व्यक्ति के शरीर के अंदर एंटीबॉडी। और इस व्यक्ति के शरीर के अंदर जो कोरोना वायरस ऑलरेडी मौजूद था है ना, जो हो चुका है इसको, उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी सक्षम है, और उस एंटीबॉडी से, उस एंटीजन से, कोरोना एंटीजन से एंटीबॉडीज लड़ेगी और घनश्याम वाला जो नामक व्यक्ति है वो स्वस्थ हो जाएगा, है ना। अब इसके लिए हमने क्या बोला राम को, कि राम भाई साहब आप आइए, आपका हम ब्लड प्लाज्मा निकालेंगे और ब्लड प्लाज्मा किसमें ट्रांसफर कर देंगे, एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति में। और उस कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति, क्योंकि उसकी जिसकी बॉडी स्वयं एंटीबॉडी बनाने के लिए सक्षम नहीं है या नहीं बना पा रही है ना, उसको हम एंटीबॉडी क्या कर रहे हैं, एक कुल मिलाकर के इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, एंटीबॉडी दान में दे रहे हैं, है ना। वो एंटीबॉडी दान में जो दी है वो कोरोना वायरस को निपटा देगी और काम खत्म हो जाएगा। इसमें दिक्कत क्या है, क्योंकि पैसिव इम्यूनिटी है, इसके शरीर को अभी एंटीबॉडी बनाते आया नहीं है, इसके शरीर ने एंटीबॉडी का निर्माण स्वयं नहीं किया है, पैसिव इम्यूनाइजेशन है। तो इन फ्यूचर अगर इसको फिर से कोरोना का अटैक होता है तो ये वल्नरेबल अभी भी है, क्योंकि हो सकता है कि इसकी इम्यूनोलॉजी मेमोरी में एंटीबॉडी किस तरीके से बनानी है ये वार्तालाप स्टोर्ड नहीं हुई है, इसको सीधी सीधी बनी बनाई एंटीबॉडी मिल गई थी जिसने कि कोरोना वायरस को खत्म कर दिया, लेकिन इसकी जो इम्यूनोलॉजी मेमोरी है उसके पास अभी भी एंटीबॉडी बनाने का मेथड नहीं आया। और अगर एंटीबॉडी बनाने का मेथड नहीं आया, मतलब कि फ्यूचर में अगर इसको फिर से कोरोना होता है तो फ्यूचर में इसकी बॉडी स्वयं जो है एंटीबॉडी जनरेट नहीं कर पाएगी, तो फिर से इसको क्या लगेगा, फिर से कोई प्लाज्मा डोनर आवश्यक है कि प्लाज्मा डोनर फिर से इसको कोई मिले, ठीक है। मतलब इसकी बॉडी अभी भी वल्नरेबल है,
लेकिन इधर वाले व्यक्ति की बॉडी वल्नरेबल है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी बॉडी ने स्वयं नहीं क्या बनाया था, एंटीबॉडी। मतलब इसकी बॉडी की इम्यूनोलॉजी मेमोरी में कोरोना वायरस की एंटीबॉडी बनाने का फॉर्मूला स्टोर्ड है। तो जब भी कोरोना वायरस का अटैक इन फ्यूचर भी इसको होता है, तो जैसे ही अटैक होगा वैसे ही शरीर एंटीबॉडी बना करके उस कोरोना वायरस को डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, तो कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी क्या है? कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी इज अ थेरेपी इन विच वी आइसोलेट द ब्लड प्लाज्मा ऑफ अ रिसेंटली क्योर्ड कोरोना पेशेंट और रिसेंटली क्योर्ड पेशेंट इनटू एन इन्फेक्टेड और डिसीज्ड पर्सन, है ना, सो दैट इनडायरेक्टली वी आर ट्रांसफरिंग एंटीबॉडीज डेवलप्ड इन अ रिसेंटली क्योर्ड पर्सन इनटू एन इन्फेक्टेड और डिसीज्ड पर्सन, ताकि वो एंटीबॉडीज क्या कर सके, उस पर्टिकुलर डिसीज पर्सन को भी स्वस्थ कर सके। ठीक है, तो दिस इज नोन एज कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी, है ना। स्टार मार्क जरूर ध्यान रखें कि घर पर इन प्रयोगों को करने की कोशिश ना करें, है ना, क्योंकि ये प्रयोग जो है पढ़ने में आसान लगते हैं लेकिन काफी ज्यादा डिफिकल्ट है ना। ऐसा कभी घर पर कोशिश मत करना कि किसी व्यक्ति को कैंसर है तो एक काम करते हैं, उस कैंसर की गठान निकाल लेते हैं और घर से कैंसर की गठान निकाल के और खोजते हैं कि एंटीबॉडी कहाँ है और एंटीबॉडी नहीं बना लेते अपन खुद ही कल्चर में डाल के। भाई साहब, ये घर पे करने वाली चीजें नहीं है। अभी भी साइंटिस्ट इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, अभी भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन चीजों का पॉसिबल नहीं हो पाया। अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहें तो आपके पास वो ऑपरेटर्स हो जिसमें आप काम करें, वो तब जाकर आप करें तो ठीक है, लेकिन ये छोटा मोटा ज्ञान लेकर के एग्जाम के लिए जो ज्ञान हमने लिया है इसके माध्यम से अगर आप सोचो कि मैं सर्जिकल ब्लेड पकड़ के आज जाकर के एंटीबॉडी बाहर कर लूंगा अपने शरीर से और किसी दूसरे के शरीर में एंटीबॉडी मतलब डाल दूंगा, तो वो घर पर आप ट्राई मत करना। अगर घर पर आप ट्राई करोगे तो फिर उससे दिक्कतें होगी, है ना, फिर आप परलोक सिधार जाओ, उसकी हमारी जवाबदारी नहीं है। तो डिस्क्लेमर पहले ही लिख दिया मैंने, है ना, लिखा नहीं है, बता दिया कि डिस्क्लेमर स्टार मार्क है, घर पे स्टंट्स नहीं फॉलो करना है। ठीक है, तो ये जो लेक्चर था हमारा, ये बेसिकली फोकस था टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन इन द फील्ड ऑफ इम्यूनोलॉजी पर। ठीक है, आई होप आपको पूरे टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन समझ में आए होंगे। एक बार फिर से आप इसको रिवाइज कीजिए। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं, 3 मार्कर्स के तौर पर बन सकते हैं और कंप्लीट 6 और 15 मार्कर भी इससे बन सकता है, मतलब मीडियम और लॉन्ग आंसर टाइप भी क्वेश्चन 5 और 11 मार्कर भी इनसे हम संभवतः देख सकते हैं। अलग से एक टॉपिक के तौर पर भी आप इसको संभवतः देख सकते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरा फोकस करके ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इंडिया में इम्यूनाइजेशन का इतिहास। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी ऑनलाइन। थैंक यू।